नमस्कार, किसान तक के विशेष प्रोग्राम किसान तक न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं मनोज भट्ट, आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि मौजूद हैं। गांव से संसद तक का सफर आपने तय किया है, ग्राम प्रधान से केंद्रीय मंत्री तक का सफर आपने तय किया है, देश के एक सशक्त किसान नेता के तौर पर आपकी पहचान है। तो चुटीले अंदाज में गंभीर बातें कहने के लिए देश आपको पहचानता है। मैं बात कर रहा हूँ देश के वरिष्ठ किसान नेता, भाजपा के वरिष्ठ किसान नेता, दो बार भारतीय जनता पार्टी की किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुकुम नारायण देव यादव जी की। बहुत बहुत स्वागत है हुकुम जी आपका। धन्यवाद धन्यवाद, आप सभी का भी स्वागत है। इसी के साथ इस कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल हम संपादक जी से लेते हैं। हम आज़ाद भारत में जो खेती है उस पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के जीतने के बाद आपका एक भाषण बहुत लोकप्रिय हुआ था, आज की भाषा में कहा जाए तो वायरल हुआ था। उसमें आपने एक दो चीज़ें बोली थी, एक तो इंडिया और हिंदुस्तान के बारे में आपने बोला था, साथ में आपने एक इंडिया गेट पे अपना एक किस्सा सुनाया था कि आपने एक कुत्ते को देखा जो बड़ी सी गाड़ी में बैठा था। अब लगभग 10 साल पूरे होने वाले हैं मोदी कार्यकाल के, इन 10 साल में आपको वो जो फ़र्क है इंडिया और हिंदुस्तान का वो थोड़ा सिमटता हुआ दिखाई दिया है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, वो जो कुत्ते की ज़िंदगी है उसके मुकाबले जो आपने गांव खेती और उनके लिए बात की थी, उनकी ज़िंदगी थोड़ा सा और ऊपर आती हुई दिखी है। अगर दिखी है तो कितना दिखी है और कितना काम करना भी बाकी है। देखिए, आपको धन्यवाद। मैं गांव में पला बढ़ा, अपने हाथ से हल चलाया, कुदाल चलाया, गाय भैंस को सानी पानी खिलाया, दूध निकाला, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जब मेरा बचपन था, उस बचपन में के समय में, उस समय 1939 में मेरा जन्म है और 1942 में क्रांति में मेरे पिताजी और मेरे 8 चाचा 4 चचेरा भाई और गांव के 2 बढ़ई 2 निषाद, ये इतने लोग रेल पुल तोड़ करके जेल गए थे। 4-4 साल की सज़ा हुई थी, तो अंग्रेजी राज के उस जुल्म को भी देखा था। उस समय मैं 3 साल का था, तो मैं कह सकता हूँ कि 1940 का जो दशक है उससे पहले, और तो अगर मुझे ही आँख में पट्टी बांध दी जाती उस समय और आज अगर दिल्ली में ला के खड़ा किया जाता, चाहे गांव के, मेरे ही गांव के चौराहे पर, तो मैं ये कह सकता था कि मैं कहाँ चला आया, मैं नरक में से ये स्वर्ग में की यात्रा तक कैसे कैसे हो गई। तो आप ही समझिए कि कितना कितना रूपांतरण हुआ है। मैं अपनी ज़िंदगी में उस रूपांतरण को देखा हूँ। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जब बाढ़ के समय में घुटने भर पानी में खड़े खड़े महिलाएं भी सोच करती थी, और जब रात में निकलती थी तो टिप टिप पानी बरसे, इतने कीचड़ से जाके आवे, पैर के कीचड़ को धोने के लिए पानी नहीं रहता था तो उसको ऐसे पोछ के और कीचड़ के साथ ही लेट जाती थी चटाई पर, पैर का कीचड़ गांव के लोगों को अपने आप सूख के झड़ जाता था। मिट्टी की ढिबरी वाली दीप जलाते थे और उसको जला के रात में सोते थे। सवेरे हम 6 भाई बहन थे तो सब बच्चे सब उठते थे, चचेरे भाई भी सब थे, बहन थी, तो उठते थे नाक में उंगली ले के ऐसे देखते थे कि किसकी उंगली में कितना काला है। तो मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड से तो तुम मरते हो और हम तो बचपन में जितना कार्बन डाइऑक्साइड पचा चुके हैं तो अब मुझ पर क्या असर करेगा। तो हम तो उस जिंदगी से निकल के इस जिंदगी में आए कि आज एक लालटेन घर में संपन्न किसान को रहता था, उसी लालटेन से घूम के सब काम करते थे, बच्चे पढ़ते भी थे, गाय भैंस का दूध निकालना हो तो लालटेन लेके दूध निकाल आते थे, तब तक बच्चे बैठे रहते थे, फिर लालटेन आवे फिर। और आज के भारत में, उसी बिहार में मैं अपने गांव को देखता हूँ तो गरीब के
हर कमरे में जब 24 घंटा ये बल्ब की रोशनी को देखता हूँ और उनके बच्चे सब किताब लेके पढ़ते रहते हैं और वो अपने मोबाइल को चार्जर में लगा के जब वो चार्ज कर लिया और जब कहीं जाते हैं रिश्तेदारी में तो एक तरफ अपने खाने के लिए बैठते हैं, दूसरे तरफ मोबाइल को चार्जर में लगा देते हैं, अपना पेट भी भर लेते हैं, मोबाइल का पेट भी भर देते हैं। ये है दृष्टिकोण देखने का। कभी इस पर चिंतन लोग नहीं करते हैं कि अगर गांव हिंदुस्तान में हर घर ये बिजली की रोशनी नहीं गई होती तो ये 2-3 साल कोरोना के पीरियड में हिंदुस्तान के गांव में बसने वाले लोग हैं और गरीब के जो बच्चे हैं वो सब 3 साल पढ़ाई में पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास करते कहाँ से करते। लेकिन ये बिजली तो उनके घर घर चली गई थी तो किसी के पढ़ाई नहीं रुके, सब ये मोबाइल पर ही सही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे। और मैं जब दिल्ली से फ़ोन करके हालचाल पूछता था तो बहुत साथी को कहता था भाई सवेर से हम मोबाइल किए 3-4 बार लगाए, कहाँ मोबाइल है? तो कहे कि सर 12 बजे तक मोबाइल जो है से पोती पोता बेटा रख ले रही है, बेटी वगैरह सबके पढ़ाई हुई है, या 12-1 बजे के बाद मोबाइल हम लो ले छे आ तब तो कुकरा रही है। ये है अनुभूति। अगर उन बच्चों के 3 साल उनका बचपन अगर पीछे चला जाता तो कभी इस दृष्टि से देखिए कि अगर किसी बच्चे की जिंदगी, जवान की जिंदगी 3 साल पीछे चला जाए तो पूरा हिंदुस्तान 3 साल पीछे चला जाएगा, और जब पूरा देश 3 साल पीछे चला जाएगा तो हिंदुस्तान का संपूर्ण विकास और संपूर्ण 3 साल पीछे चला जाएगा। तो देश आगे बढ़ेगा कि पीछे बढ़ेगा? देश की अर्थव्यवस्था आगे हटेगी कि पीछे जाएगी? लेकिन नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया कि हर घर तक बिजली पहुंचा देना है, और हर घर तक बिजली पहुंच गई तो हिंदुस्तान की अर्थनीति हो, किसान जिस क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र जो 3 साल पीछे चला जाता वो 3 साल पीछे नहीं गया, बल्कि उस 3 साल के अंदर ऑनलाइन घर में बैठ करके लोगों ने जो एक काम करने का सीखा जिसको कहते हैं कल्चर, संस्कृति, घर बैठे, तो घर बैठे काम करने का किया। क्यों किया? क्यों? उनको घर बैठ करके काम करने की बिजली की सुविधा थी। आपने कहा एक आपने अंतर बताया कि ये अंतर आया है, इस तरह के अंतर आए हैं, परंतु मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो शहर और गांव का वो अंतर बहुत बड़ा है, अंतर ये बड़ा है, क्या किसी यदि शहर में हम बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसकी खुली छूट है कि वो अपने व्यवसाय को बहुत आगे बढ़ा ले, परंतु वहीं पर मैं देख रहा हूँ कि किसानों की का जो अवसर है खेती में, चाहे उसके कृषि उपज हो, चाहे दूध हो, चाहे जो भी चीज़ें हैं, उनको यदि बढ़ाने का जब अवसर मिलता है तो उस पर चाबुक चल जाता है, या जैसे भी चाबुक चले सरकार की तरफ से चले कि नहीं ये तुम्हारी यही स्तर है, यहीं तक अपने दाम बढ़ाओ, तुमको बढ़ने के आगे का अवसर नहीं मिल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको भी और हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को कहूँगा, मैं बराबर बोलते रहा हूँ सब जगह कि विश्वविद्यालय में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके भी अपनी दृष्टि और शोध की दृष्टि बदलनी पड़ेगी। 1956 में डॉक्टर लोहिया ने मैनकाइंड में लेख लिखा था, उसमें लिखा था कि हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर पढ़ाई को बदलो, केवल व्याख्या तक ही मत रखो, अनुसंधान और व्याख्या में मत उलझे रहो, विश्लेषण भी करो। तो भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि जितनी भी क्षेत्र में काम करने वाले हैं वे अनुसंधान किए, व्याख्या किए, लेकिन विश्लेषण नहीं किए। विश्लेषण का मतलब बहुआयामी, चाहे कृषि हो, शिक्षा हो, उद्योग हो, राजनीति हो, व्यापार हो,
ये सभी के समग्रता में समेकित विश्लेषण विश्लेषण संतुलित। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो उस समय समाजवादी थे, दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान के एक वर्ग के लोगों ने समाज उनको समाजवाद शब्द से ही घृणा है। वो समाजवाद का मतलब समझते हैं कम्युनिज्म, लेकिन कम्युनिज्म और सोशलिज्म दोनों आकाश पाताल का अंतर है। आज नहीं पढ़े हैं जो लोग तो पढ़े डॉक्टर लोहिया की मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म एंड इकोनॉमिक्स आफ्टर मार्क्स, पढ़ ले तो उनको पता लगेगा कि 49-50 के दशक में आज़ादी के आंदोलन के समय से ही जो ये दर्शन डॉक्टर लोहिया लिख रहे थे वो कितनी दूर तक की कल्पना किए थे। तो हमने उसको नहीं देखा उस पर। आप किसान की बात कहते हैं तो एक ही केवल वही नहीं है विषमता, गांव और शहर की विषमता है, उद्योग और कृषि की विषमता है, नौकरी करने वाले और खेती करने वाले की भी विषमता है, जाति के आधार पर भी विषमता है, जन्म के आधार पर विषमता है, लिंग के आधार पर विषमता है, रंग के आधार पर विषमता है और तकनीकी विषमता भी है। तो ये जो तकनीकी विषमता के कारण जो शोषण होता है जिसको डॉक्टर लोहिया उस समय उठाते थे और कहा था उन्होंने अमेरिका एक मिनट 3 मिनट में जितना सामान बनाता है उसी को रूस 6 मिनट में बनाता है, चीन 9 मिनट में बनाता है, भारत 13 मिनट में बनाता है। और जब हम रुपए के आधार पर लेन देन पर समझौता व्यापार करते हैं तो अमेरिका का 1 मिनट लेते हैं और अपना 13 मिनट देते हैं। यह एक्सप्लाइटेशन है, इसको बंद करो, इसको बदलो। टाइम के आधार पर, समय के आधार पर व्यापार का विनिमय समय के आधार पर हो। तो उस समय कहते तो अपनी तकनीक को बदलो। तकनीक माने कि तुम जो यूरोप के अंदर से जो तकनीक लेते हो, मशीन लेते हो, तो तुम उनके मशीन लेते हो लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं लेते हो। अगर हमको कोई अपने मशीन के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी दे तब तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तुम गुलाम के जैसे क्यों लेते हो? और जब हम उनकी उनको टेक्नोलॉजी लेंगे तो उस टेक्नोलॉजी का जो नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को इस बार लोक ये लाल किला से कहा, 1 घंटा 45 मिनट के भाषण में केवल 6 शब्द हैं महत्वपूर्ण निचोड़, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। ये देश को करना है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और संतुष्टिकरण से लड़ना है। ये तीन बुराई को हटाओ और 3 अच्छाई को ग्रहण करो। तो जो रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, तो उसी समय समाजवादी होने के नाते डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में हम लोग चलते थे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सभी क्षेत्रों में, सभी समग्र क्षेत्रों में रूपांतरण, आजाद भारत का रूपांतरण होना चाहिए। लेकिन करता कौन? फिर आप कहेंगे कि कहने वाले तो कहे, गांधी ने कहा, लोहिया ने कहा, करता कौन? तो यहीं पर आता है जो राज चलाने वाले होते हैं उनका विल टू पावर। डॉक्टर लोहिया की किताब है उस समय जो उसका नाम ही है विल टू पावर, इच्छा शक्ति कि हमको ऐसा करना है, या तो हम करेंगे नहीं तो मरेंगे, या तो करके जाएंगे और नहीं तो करते करते मर के जाएंगे, लेकिन हम करके जाएंगे। ये जो डिटर्मिनेशन है विल टू पावर जो अभी नरेंद्र मोदी में है, अगर यही विल टू पावर और डिटर्मिनेशन वाला प्रारंभिक समय ही भारत का कोई नेतृत्व प्रदेशों में और केंद्र में आया होता तो आज भारत जहां खड़ा है, भारत विश्व के सबसे शीर्ष स्थान पर खड़ा होता। तो इन विसंगतियों को मिटाने का प्रयास करना चाहिए, जो विसंगति है समाज के अंदर, और जहाँ जहाँ विसंगति है उनको कैसे मिटे उसके लिए समय लगेगा। और हम समाजवादी थे, डॉक्टर लोहिया ने हम लोगों को कहा था, अरे 5000 साल के रोग को कोई 25-50 बरस में इलाज नहीं कर सकते हो, धीरज रखो,
तुम अपनी दृष्टि सही रखो, दिशा सही रखो, संकल्प सही रखो और तुम अपने इस परिवर्तन के काम में निरंतर लगे रहो। तुम अपना भी परिवर्तन करो, समाज का भी परिवर्तन करो, राष्ट्र का भी परिवर्तन करो, अपनी नीतियों को भी परिवर्तित करते रहो, तब कहीं जाके 200-400 साल में जाकर के इस परिवर्तन का पूरा रूप दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये 5000 बरस का कोर है। एक हालिया विसंगति है, मैं उस विसंगति की तरफ जाऊंगा। आपने ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी और हम जिसकी मैं जिस सवाल पूछ रहा हूँ, विसंगति आज़ादी के बाद बहुत तेज हुई है। 21वीं सदी में हम आधुनिक भारत की परिकल्पना कर रहे हैं और किसान अभी भी लाभकारी मूल्य मांग रहे हैं। आज़ादी के बाद देखा कि किसान को उनकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पाता है। तो ये समस्या जो आधुनिक भारत की समस्या है, एक समय तक जो सिस्टम था वो किसान मुख्य फसल बेचकर ही फसल के बेस पर ही सारा व्यापार कर लेते थे, लेकिन अब फसल गौण हो गई है, रुपया शीर्ष हो गया है और किसानों को भी उनकी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो आज़ाद भारत की जो सबसे बड़ी समस्या अगर मैं समझता हूँ तो यह है कि किसान अपनी ही फसल का वाजिब दाम मांग रहा है, तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, समस्या का समाधान कैसे है? देखिए, आप लोगों ने उस राज को नहीं देखा है जब किसानों को लेवी लगती थी और हमको हम उस समय पीड़ित थे। हमारे पिताजी साधारण किसान थे, लीडर को खुशामद करने जाते थे, सरकार के तरफ से लेवी लग जाती थी किसान को, उपज हो या नहीं वो खेत में, लेकिन लेवी लगती थी। तो इनको 50-25 क्विंटल आपको धान देना है, आपको 50 क्विंटल देना है जमीन के हिसाब से। और हम लोगों की जमीन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थी, कभी कभी अपने खाने के लिए भी अनाज नहीं पैदा हो, 3 महीना तक पानी में डूबा रह जाए, ऊपर से लेवी आ जाए कि आपको, मेरे पिताजी के उस समय गांव के अपनी बीघा के हिसाब से 100 बीघा जमीन थी, जिसको कहिए 60-70 एकड़ थे दोनों दो भाई में। तो खेत में गेहूँ ये धान पैदा हुआ था, एक साल कुल 30 मन। अब 30 मन धान में साल भर अपने खाओ, परिवार को खिलाओ कि मजदूरी कराओ, और ऊपर से लेवी लग गई थी 10 मन, नहीं दो तो मुकदमा होगा। उस युग को भी हमने देखा है, जो नहीं देखा है उस युग को उनको नहीं पता है। नहीं, हम लोग तो आज आज़ाद भारत में ना, अपना एक लोकतंत्र है। देखिए, आज़ाद भारत में है, मैं आज़ाद भारत की बात कर रहा हूँ जब किसान को लेवी लगी थी। आज़ाद भारत की बात कर रहा हूँ जब हिंदुस्तान के लोग अमेरिका का PL 480 का सरा हुआ गेहूं खाते थे, ज्वार खाते थे, पर संपन्न लोग लाइन लगाने जाते थे। मैं उस समय 60 में ग्राम पंचायत का प्रधान था, अच्छे अच्छे लोग आ जाते थे, चुपचाप कान में कहते थे, मुखिया जी ध्यान रखबै, हमरो सब के चूल्हा बंद है। लेकिन वो लाइन में नहीं लग सकते थे इज्जत के कारण, ऐसे लोगों को चुपचाप नज़र में रखते थे और उनको कहते थे कि अपना बोरा चाहे गठरी वाला रख दीजिए उधर, और रात में वो डीलर को कहते थे कि इस सब में इनके 10 किलो 15 किलो के हिसाब से बांध दो और अपने आदमी के मार्फत उनके घर पर चुपचाप पहुँचाया हो। उस भारत को भी हमने देखा है, भोगा है। जब देश आज़ाद हुआ था तो जनसंख्या 35 करोड़ और जमीन 13 मिलियन हेक्टेयर और उत्पादन होता था 50 मिलियन टन। जमीन 13 करोड़ मिलियन हेक्टेयर, उत्पादन 50 मिलियन टन, जनसंख्या 35 करोड़। आज वही भारत है जो जनसंख्या 135 करोड़, जमीन 13 से घट के 11, खेती के काम विकास में चले गए और उत्पादन हो रहा है आज 200 मिलियन टन। कैसे हुआ साहब, कैसे हुआ? इसलिए किसान के अंदर जो MSP है, समर्थन मूल्य, बाद में आया है समर्थन मूल्य का मतलब क्या, उसमें फिर आया। हम ही लोग लड़ते थे चौधरी चरण सिंह के समय में समाजवादी किसान सभा में, डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में, कि नहीं लाभकारी मूल्य, समर्थन मूल्य लाभकारी मूल्य। तो स्वामीनाथन की कमेटी ने लाभकारी मूल्य की बात की है, समर्थन मूल्य का नहीं। एक अपनी जगह सही है, लेकिन कभी इस बात को हिंदुस्तान के किसी किसान ने, जो किसान के नाम पर, एक है किसान के नाम पर नेतागिरी करना,
एक है किसान के लिए नेतागिरी करना, एक है किसान के द्वारा नेतागिरी करना। ये तीनों में फर्क है, फर्क है। तो जब हम सोचेंगे तो कभी हमने ये सोचा कि हिंदुस्तान के अंदर जो ये मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स 86.07% है, मतलब 2 हेक्टेयर से कम जमीन जोतने वाले 86% लोग हैं और 1 हेक्टेयर से कम जमीन जोतने वाले लोग 68% हैं। तो जो 68% किसान सीमांत किसान हैं, भूमिहीन के बराबर हैं, अपने खेत में खेती करते हैं और पार्ट टाइम में जाके मजदूरी करते हैं, दोनों है, किसान है मजदूर साथ साथ हैं। और ऐसे किसान जो ये 67% जो किसान है, अब इनकी अभिसंगति बिहार में 96.96 मतलब 97% हैं ये, गौर करिएगा। और हरियाणा में 68.57% है और पंजाब में 33.11% है। तो कहाँ ये मार्जिनल किसान बिहार में 97 और कहाँ पंजाब में है 33, क्या दोनों के लिए समान नीति बन सकती है क्या? जो कहते हैं वो अवैज्ञानिकता की बात करेंगे, दोनों की समान नीति नहीं बनेगी। दूसरा है, एक किसान है जिसके खेती के अलावे उसके घर में नौकरी भी है, दूसरा किसान है जिसके घर में खेती के अलावे नौकरी और व्यापार दोनों है, तीसरा किसान है जिसके घर में खेती नौकरी व्यापार और राजनीति तीनों है, और एक किसान है जिसके घर में खेती के अलावे दूसरा आय का कोई जरिया नहीं है। तो जब किसान की बात हम करेंगे तो किसको पहले उठावेंगे, हम किसके लिए पहले बात करेंगे? ईमानदारी है, अगर देश के अंदर हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना है तो हम सबसे पहले जो हिंदुस्तान के ये जो 86% जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी बात करेंगे, उनके उनके खेती में अच्छी खेती हो, उनके टेक्नोलॉजी उन्हीं के अनुसार हो, उनको समय से पानी मिले, उनके फसल की खरीदी हो, और जिसके घर में खेती नौकरी और व्यापार ये तीनों है रोजगार, और वही अगर कहे कि पहले मेरी सुविधा दो उनकी बात मत करो, और उसी के पीछे लोग पागल होकर दौड़ने लगे क्योंकि उनके उनको जात का समर्थन है, किसान स्वयं भी अपने भी तो सोचे। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि दिया है, किसके लिए है? वो जो किस जिसके पास में खेती के अलावे जिसके जिसके पास में कोई दूसरा आय का जरिया नहीं है, ऐसे किसान को 6,000 रुपया साल में देंगे सपोर्ट। ये मान के चलेंगे 6,000 रुपया साल में देने का मतलब उनके पास में अगर 1 हेक्टेयर जमीन है तो 1 हेक्टेयर पर 6,000 हुआ साल का कंपनसेशन, ऐसे समझिए। 1 हेक्टेयर जमीन वाले किसान को साल में 6,000 उनको मिला कंपनसेशन सपोर्ट, जिसको कहिए लाइफ सपोर्ट। और अब ये जो बाकी किसान हैं, बाकी किसान वो भी उसी किसान के जैसे लेना चाहेंगे। फिर इसको ऐसे आइए, आखिरी में मैं कंक्लूड कर देता हूँ। डॉक्टर लोहिया के समय में हम लोग नारा लगाते थे, खेती नौकरी और व्यापार एक आदमी एक रोजगार, एक रोजगार। आप कहोगे कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं करते? नरेंद्र मोदी को कहिए ना, पार्लियामेंट में सभी एमपी को, आप अपने एमपी को कहिए कि तुम नारा लगाओ खेती नौकरी और व्यापार एक आदमी एक रोजगार। और नरेंद्र मोदी 10 बजे तुम नारा लगाओ, 4 बजे तक अगर नरेंद्र मोदी नोटिफिकेशन नहीं कर दे तो हुकुम देव नारायण यादव जहर खा लेगा। मांगो, मांगो ना सरकार को, इस पर दबाओ ना। इसके लिए पार्लियामेंट में कहा तुम्हारी जी में ताकत है, क्योंकि तुम वेस्टेड इंटरेस्ट हो, तुम निहित स्वार्थी हो। ये 3 फॉर्मूला हर लागू कर दो, खेती नौकरी और व्यापार एक आदमी एक रोजगार। जिसको खेती है व्यापार है उसको कोई नौकरी नहीं देंगे सरकार की, चाहे वो IAS की नौकरी हो और चाहे चपरासी की नौकरी हो।
किसको देंगे? जिसके पास में खेती, नौकरी और व्यापार, जिसके पास में न खेती है न व्यापार है, जो बिल्कुल बेरोजगार है उसको प्रायोरिटी दो। नहीं, पर इसमें आपने ये कहा, ऐसा कहना चाह रहे हैं किसानी में भी आरक्षण जैसा कुछ आएगा कि किसान की चार वो होंगी, एक के पास तो खेती और व्यापार है, एक के पास सिर्फ खेती है, मतलब हम इस तरह की बात करें, इस तरह से पॉलिसीज बनाएं? नहीं, फिर आरक्षण इस बात से? आरक्षण शब्द हमारा नहीं है, मैं आरक्षण का विरोधी हूँ। हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे सिर्फ उसको? हाँ ना, मैं आरक्षण का विरोधी हूँ शब्द का जी। हमारे समाजवादी नेता डॉक्टर लोहिया कहते थे विशेष अवसर, स्पेशल अपॉर्चुनिटी, विशेष अवसर। विशेष अवसर मैंने कि घर में कोई बीमार है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसको दूध दो, फल दो, अंडा दो, लेकिन जब वो स्वस्थ हो जाता है और तब भी वो घर में परिवार के सबको कहे कि मुझको वही खाना देते रहो तो डॉक्टर लोहिया कहते थे नहीं, तब उसकी क्रूरता है, अमानवीयता है। वो स्वस्थ हो गया तो जाओ, कोई बीमार है उसको फिर बीमार वाला खाना खिलाओ। इसका मतलब आरक्षण के अंदर भी जो आदमी आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से सबल होते जाए उनको बाहर करते जाओ, और जो नीचे छूटा हुआ है उनको विशेष अवसर, स्पेशल अपॉर्चुनिटी, तो स्पेशल अपॉर्चुनिटी देके उनको ऊपर लाते जाओ। और जब वो स्पेशल राइट वाले बन जाते हैं, आरक्षण स्पेशल राइट, स्पेशल माने विशेषाधिकार, तो जन्म के आधार पर विशेषाधिकार था कुछ जातियों को, और अर्थ के आधार पर विशेषाधिकार है कुछ पूंजीपतियों को, और आरक्षण के आधार पर विशेषाधिकार है कुछ आरक्षणवादियों को। तो बाकी जो लोग छूट जाते हैं, जिनको कहते हैं छूटे हुए लोग जी, तो स्पेशल अपॉर्चुनिटी माने विशेष अवसर, विशेषाधिकार बनाम विशेष अवसर, कि विशेषाधिकार को मिटाते चलो और विशेष अवसर वाले को आगे बढ़ाते चलो, लंबे समय के बाद ये बराबरी में लाने का प्रयास करो, लेकिन संपूर्ण समता की बात करना पाखंड है। टोटल इक्वालिटी जिसको कहते हो, कहेगा को लोग, वो पाखंड है। कभी भगवान भी नहीं, ईश्वर भी नहीं पूर्ण बराबरी की कर पाए। हाँ, उसको कहते हैं, डॉक्टर लोहिया ने कहा था संभव बराबरी, संभव, संभव। हम गैप को मिटाते जाएंगे, कैसे मिटाबेंगे? तो उसके लिए प्रयत्न करेंगे। तो हमने वो प्रयत्न, एक हमारा उस समय था कि 100 से कम न 1000 से ज़्यादा, समाजवाद का यही तकाजा कि एक नीति निर्धारित करो कि इस कंपनी में है तो इस कंपनी के डायरेक्टर को अगर 1000 रुपया मिलेगा तो इस कंपनी के पीन को 100 रुपया मिलेगा, ये नीति बनाओ। वाइस चांसलर को 1000 रुपया तो चपरासी को 100 रुपया, कि सब 100 से कम न 1000 से ज़्यादा, तो ये नीति। देखो, मैं नीति की बात कर रहा हूँ। अब आप कहोगे कि कोई ये नहीं, क्या नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सब है नीति। करने की बात, करने की बात किसको है? कर सकता है देश में पार्लियामेंट, या कर सकती है जुडिशरी। तो जुडिशरी है, उसके जो सोशल कैरेक्टर हैं, आर्थिक और सामाजिक चरित्र है, वो फ्यूडलिस्ट है, वो सामंतवादी चरित्र है, परिवारवादी चरित्र है, तो उसे संभव नहीं है। तब कर सकता है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट करे तब जब पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के सदस्य की इच्छा शक्ति हो, तब विल पावर। और सामूहिक इच्छा, केवल किसी व्यक्ति की नहीं, सामूहिक इच्छा, सामूहिक इच्छा। आरक्षण पे जो अभी आपने बोला, तो अब फिर एक सवाल आ जाएगा कि तो महिला आरक्षण पर आपका क्या कहना है? देखो, हाँ, फिर मैं आरक्षण की बात किया ना, हाँ, तो जब महिला आरक्षण की बात आएगी, तो हम जिस समय थे उस समय हम जब आरक्षण की बात करते थे ना, कि डॉक्टर लोहिया बांध दे गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, और उस पिछड़ा में, पिछड़ा केवल एक एक समूह था, पिछड़ा में पांच थे, कौन कौन? अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, महिला ऑन दी होल, और धार्मिक अल्पसंख्यक में पिछड़ा, मुसलमान में, जिसको आजकल पसमंदा मुसलमान कहते हैं वो। तो हमारे ये पांच थे, आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, महिला ऑन दी होल, और उसके बाद धार्मिक
अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यक का पिछड़ा, सरदार में भी है हरिजन और पिछड़ा, ओ इन सब को मिला करके ग्रुप बना के कहते थे संसो पाने बांधी गांठ पिछड़ा पावे सौ में साठ। तब सौ में साठ क्यों, तो लोकतंत्र में 51 का राज है ना, 51 और हम इनको कहते हैं साठ, तो पूर्ण बहुमत दिया ना। आज जब पूर्ण बहुमत होगा तो अपनी मर्जी से कानून बना लेगा, 60 को 80 कर लेगा, 60 को 90 कर ले, लेकिन इनको पूर्ण बहुमत कहाँ, सभी चीज में, सब जगह, सरकारी नौकरी, राजनीति, व्यापार और पलटन, इन चारों क्षेत्रों में ये नीति लागू हो, इतनी व्यापकता से बात करते थे। लेकिन हो कब, हो कब, जब पॉलिटिकल सिस्टम जो है, सिस्टम मैं व्यक्ति की बात नहीं करता, पॉलिटिकल सिस्टम का रिफॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, रिफॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, रिफॉर्म ऑफ जुडिशियल सिस्टम, रिफॉर्म ऑफ सोशल सिस्टम, ये समाज, समाज का रूपांतरण हो, न्यायपालिका का रूपांतरण हो, कार्यपालिका का रूपांतरण हो और विधायिका का रूपांतरण हो, ये चारों के रूपांतरण करने के लिए दो ही रास्ता है, दो ही रास्ता है। एक तो चीन और रूस वाला रास्ता है, कत्ल करो, और दूसरा रास्ता है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाओ, कानून बनाओ, कानून बना के करो। तो पार्लियामेंट के अंदर कानून बनेगा कब, जब ये सभी की सहमति होगी तब, नहीं तो पार्लियामेंट कानून बनेगा आ सुप्रीम कहेगा कि नहीं ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अब उसके आगे कोई है अपील, अपील तो अपील तो कुछ नहीं है। तो मान लो, मान लो जब यहाँ आके बात अटक गई है तो यहाँ से रास्ता कौन निकालेगा। तो लोकतंत्र में जब कहीं अवरोध पैदा हो जाए, लोकतंत्र में कहीं गतिरोध पैदा हो जाए, लोकतंत्र में कहीं स्पीड ब्रेकर आ जाए, तो उसको तोड़ने के लिए अंतिम पावर है जनता को, जनता को, कि जनता अपने विल पावर से, विल पावर से ऐसी सरकार और सत्ता को पावर में लाए जो पूरी ताकत के साथ इस ओर कदम उठाए, और उस रास्ते में अगर जुडिशरी भी बाधक हो, बाधक हो तो रास्ता निकाले, रास्ता निकाले, क्या है, सर्वोच्च न्यायालय देश के लिए है कि देश सर्वोच्च न्यायालय के लिए है, ये जज साहब हमारे लिए हैं कि हम जज साहब के लिए हैं, 135 करोड़ लोग वो हमारे लिए हैं, मेरे लिए हैं। तो ये जहां पर जिसको कहते हैं एक वैधानिक क्रांति और एक है खूनी क्रांति, खूनी क्रांति से परिवर्तन करने वाले हुए फिर बैताल डाल पर, कहीं ना कहीं फिर वही व्यक्ति की तानाशाही आ गई, पुतिन होंगे तो आजीवन बनेंगे और वो चिनफिंग होंगे तो आजीवन रहेंगे। तो ये जो तानाशाही, तानाशाही एक है डेमोक्रेसी, तो लोकतंत्र बनाम समता बराबरी, ये जो हमारा सिद्धांत जो गांधी ने दिया था और हमारा आधार है, उसको कैसे लागू होगा, तो लागू होगा करने वाले विल पावर के साथ करें और जनमत का समर्थन। डॉक्टर लोहिया ने 1952 में किताब लिखी है जो मैं लेख में लिखा था, कोट किया था, कि लोहिया ने लिखा था, ऐसे समाजवादियों को कहा था, ऐसे समाजवादियों ऐसा समय भी आएगा जब कोई ऐसी पार्टी आएगी जिसके खिलाफ सारी पार्टियां एक तरफ हो जाएगी, वैसे समय में वह पार्टी दृढ़ता के साथ अकेले खड़ी रहे और उन सभी का मुकाबला करे, तो उसी समय भारत के लोगों के शक्ति का चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेगा। ये डॉक्टर लोहिया ने सपना देखा, चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेगा, लेकिन उस दल को और उस नेता को भी उतने विल पावर होनी चाहिए कि नहीं, सब खिलाफ हो तो हम अकेले हैं, अपनी राह पर चलेंगे, या तो बदलेंगे या नहीं तो।
नमस्कार, किसान तक के विशेष प्रोग्राम किसान तक न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं मनोज भट्ट, आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि मौजूद हैं। गांव से संसद तक का सफ़र आपने तय किया है, ग्राम प्रधान से केंद्रीय मंत्री तक का सफ़र आपने तय किया है, देश के एक सशक्त किसान नेता के तौर पर आपकी पहचान है। तो चुटीले अंदाज में गंभीर बातें कहने के लिए देश आपको पहचानता है। मैं बात कर रहा हूँ देश के वरिष्ठ किसान नेता, भाजपा के वरिष्ठ किसान नेता, दो बार भारतीय जनता पार्टी की किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुकुम नारायण देव यादव जी की बहुत बहुत स्वागत है हुकुम जी आपका। धन्यवाद धन्यवाद, आप सब का भी स्वागत है। इसी के साथ इस कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल हम संपादक जी से लेते हैं। हम आज़ाद भारत में जो खेती है उस पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के जीतने के बाद आपका एक भाषण बहुत लोकप्रिय हुआ था, आज की भाषा में कहा जाए तो वायरल हुआ था। उसमें आपने एक दो चीज़ें बोली थी, एक तो इंडिया और हिंदुस्तान के बारे में आपने बोला था, साथ में आपने एक इंडिया गेट पे अपना एक किस्सा सुनाया था कि आपने एक कुत्ते को देखा जो बड़ी सी गाड़ी में बैठा था। अब लगभग 10 साल पूरे होने वाले हैं मोदी कार्यकाल के, इन 10 साल में आपको वो जो फ़र्क है इंडिया और हिंदुस्तान का, वो थोड़ा सिमटता हुआ दिखाई दिया है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, वो जो कुत्ते की ज़िंदगी है उसके मुकाबले जो आपने गांव खेती और उनके लिए बात की थी, उनकी ज़िंदगी थोड़ा सा और ऊपर आती हुई दिखी है। अगर दिखी है तो कितना दिखी है और कितना काम करना अभी बाकी है? देखिए, आपको धन्यवाद। मैं गांव में पला बढ़ा, अपने हाथ से हल चलाया, कुदाल चलाया, गाय भैंस को सानी पानी खिलाया, दूध निकाला, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जब मेरा बचपन था, उस बचपन में के समय में, उस समय 1939 में मेरा जन्म है और 1942 में क्रांति में मेरे पिताजी और मेरे 8 चाचा, 4 चचेरा भाई और गांव के 2 बढ़ई, 2 निषाद, ये इतने लोग रेल पुल तोड़ करके जेल गए थे, 4-4 साल की सजा हुई थी। तो अंग्रेजी राज के उस जुलूम को भी देखा था, उस समय मैं 3 साल का था। तो मैं कह सकता हूँ कि 1940 का जो दशक है उससे पहले, और तो अगर मुझे ही आँख में पट्टी बांध दी जाती उस समय, और आज अगर दिल्ली में लाके खड़ा किया जाता, चाहे गांव के, मेरे ही गांव के चौराहे पर, तो मैं ये कह सकता था कि मैं कहाँ चला आया, मैं नरक में से ये स्वर्ग में की यात्रा तक कैसे हो गई। तो आप ही समझिए कि कितना रूपांतरण हुआ है। मैं अपनी ज़िंदगी में उस रूपांतरण को देखा हूँ। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जब बाढ़ के समय में घुटने भर पानी में खड़े खड़े महिलाएँ भी सोच करती थी, और जब रात में निकलती थी तो टिपटिप पानी बरसे, इतने कीचड़ से जाके आवे, पैर के कीचड़ को धोने के लिए पानी नहीं रहता था, तो उसको ऐसे पोंछ के और कीचड़ के साथ ही लेट जाती थी चट्टाई पर, पैर का कीचड़ गांव के लोगों को अपने आप सूख के झर जाता था। मिट्टी की ढिबरी वाली दीप जलाते थे और उसको जला के रात में सोते थे। सवेरे हम 6 भाई बहन थे, तो सब बच्चे सब उठते थे, चचेरे भाई भी सब थे, बहन थी, तो उठते थे, नाक में उंगली ले के ऐसे देखते थे कि किसकी उंगली में कितना काला है। तो मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड से तो तुम मरते हो, और हम तो बचपन में जितना कार्बन डाइऑक्साइड पचा चुके हैं, तो अब मुझ पर क्या असर करेगा। तो हम तो उस जिंदगी से निकल के इस जिंदगी में आए कि आज एक लालटेन घर में संपन्न किसान को रहता था, उसी लालटेन से घूम के सब काम करते थे, बच्चे पढ़ते भी थे, गाय भैंस का दूध निकालना हो तो लालटेन लेके दूध निकाल आते थे, तब तक बच्चे बैठे रहते थे, फिर लालटेन आवे फिर। और आज के भारत में, उसी बिहार में मैं अपने गांव को देखता हूं, तो गरीब के
हर कमरे में जब 24 घंटा ये बल्ब की रोशनी को देखता हूँ और उनके बच्चे सब किताब लेके पढ़ते रहते हैं और वो अपने मोबाइल को चार्जर में लगा के जब वो चार्जर चार्ज कर लिया और जब कहीं जाते हैं रिश्तेदारी में तो एक तरफ अपने खाने के लिए बैठते हैं, दूसरे तरफ मोबाइल को चार्जर में लगा देते हैं, अपना पेट भी भर लेते हैं, मोबाइल का पेट भी भर देते हैं। ये है दृष्टिकोण देखने का। कभी इस पर चिंतन लोग नहीं करते हैं कि अगर गांव हिंदुस्तान में हर घर ये बिजली की रोशनी नहीं गई होती तो ये 2-3 साल कोरोना के पीरियड में हिंदुस्तान के गांव में बसने वाले लोग हैं और गरीब के जो बच्चे हैं वो सब 3 साल पढ़ाई में पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास करते कहाँ से करते। लेकिन ये बिजली तो उनके घर घर चली गई थी तो किसी के पढ़ाई नहीं रुके, सब ये मोबाइल पढ़िए सही, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। और मैं जब दिल्ली से फ़ोन करके हालचाल पूछता था तो बहुत साथी को कहता था भाई सवेर से हम मोबाइल किए 3-4 बार लगाए, कहाँ मोबाइल है? तो कहे कि सर 12 बजे तक मोबाइल जो है से पोती पोता बेटा रख ले रहे है, बेटी वगैरह सबके पढ़ाई हुई है, 12-1 बजे के बाद मोबाइल हम लो ले छे आ तब तो कुकरा रहे है। ये है अनुभूति। अगर उन बच्चों के 3 साल उनका बचपन अगर पीछे चला जाता तो कभी इस दृष्टि से देखिए कि अगर किसी बच्चे की जिंदगी, जवान की जिंदगी 3 साल पीछे चला जाए तो पूरा हिंदुस्तान 3 साल पीछे चला जाएगा और जब पूरा देश 3 साल पीछे चला जाएगा तो हिंदुस्तान का संपूर्ण विकास और संपूर्ण 3 साल पीछे चला जाएगा। तो देश आगे बढ़ेगा कि पीछे बढ़ेगा? देश की अर्थव्यवस्था आगे हटेगी कि पीछे जाएगी? लेकिन नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया कि हर घर तक बिजली पहुंचा देना है और हर घर तक बिजली पहुंच गई तो हिंदुस्तान की अर्थनीति हो, किसान जिस क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र जो 3 साल पीछे चला जाता वो 3 साल पीछे नहीं गया बल्कि उस 3 साल के अंदर ऑनलाइन घर में बैठ करके लोगों ने जो काम करने का सीखा जिसको कहते हैं कल्चर, संस्कृति, घर बैठे, तो घर बैठे काम करने का किया। क्यों किया? कि उनको घर बैठ करके काम करने की बिजली की सुविधा थी। आपने कहा एक आपने अंतर बताया कि ये अंतर आया है, इस तरह के अंतर आए हैं, परंतु मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो शहर
और गांव का वो अंतर बहुत बड़ा है। अंतर ये बड़ा है, क्या किसी यदि शहर में हम बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसकी खुली छूट है कि वो अपने व्यवसाय को बहुत आगे बढ़ा ले। परंतु वहीं पर मैं देख रहा हूँ कि किसानों की का जो अवसर है खेती में, चाहे उसके कृषि उपज हो, चाहे दूध हो, चाहे जो भी चीज़ें हैं, उनको यदि बढ़ाने का जब अवसर मिलता है तो उस पर चाबुक चल जाता है, या जैसे भी चाबुक चले सरकार की तरफ से चले कि नहीं, ये तुम्हारी यही स्तर है, यहीं तक अपने दाम बढ़ाओ, तुमको बढ़ने के आगे का अवसर नहीं मिल रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको भी और हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को कहूँगा, मैं बराबर बोलते रहा हूँ सब जगह, कि विश्वविद्यालय में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके भी अपनी दृष्टि और शोध की दृष्टि बदलनी पड़ेगी। 1956 में डॉक्टर लोहिया ने मैनकाइंड में लेख लिखा था, उसमें लिखा था कि हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर पढ़ाई को बदलो, केवल व्याख्या तक ही मत रखो, अनुसंधान और व्याख्या में मत उलझे रहो, विश्लेषण भी करो। तो भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि जितनी भी क्षेत्र में काम करने वाले हैं वे अनुसंधान किए, व्याख्या किए, लेकिन विश्लेषण नहीं किए। विश्लेषण का मतलब बहुआयामी, बहुआयामी, चाहे कृषि हो, शिक्षा हो, उद्योग हो, राजनीति हो, व्यापार हो, ये सभी की समग्रता में समेकित विश्लेषण, विश्लेषण संतुलित। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो उस समय समाजवादी थे, दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान के एक वर्ग के लोगों ने समाज, उनको समाजवाद शब्द से ही घृणा है। वो समाजवाद का मतलब समझते हैं कम्युनिज्म, लेकिन कम्युनिज्म और सोशलिज्म दोनों आकाश पाताल का अंतर है। आज नहीं पढ़े हैं जो लोग, तो पढ़े डॉक्टर लोहिया की मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म एंड इकोनॉमिक्स आफ्टर मार्क्स, पढ़ ले तो उनको पता लगेगा कि 49-50 के दशक में आज़ादी के आंदोलन के समय से ही जो ये दर्शन डॉक्टर लोहिया लिख रहे थे वो कितनी दूर तक की कल्पना किए थे। तो हमने उसको नहीं देखा उस पर। आप किसान की बात कहते हैं तो एक ही केवल वही नहीं है विषमता, गांव और शहर की विषमता है, उद्योग और कृषि की विषमता है, नौकरी 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 करने वाले और खेती करने वाले की भी विषमता है, जाति के आधार पर भी विषमता है, जन्म के आधार पर विषमता है, लिंग के आधार पर विषमता है, रंग के आधार पर विषमता है, और तकनीकी विषमता भी है। तो ये जो तकनीकी विषमता के कारण जो शोषण होता है, जिसको डॉक्टर लोहिया उस समय उठाते थे और कहा था उन्होंने, अमेरिका तीन मिनट में जितना सामान बनाता है उसी को रूस 6 मिनट में बनाता है, चीन 9 मिनट में बनाता है, भारत 13 मिनट में बनाता है। और जब हम रुपए के आधार पर लेन देन पर समझौता व्यापार करते हैं तो अमेरिका का 1 मिनट लेते हैं और अपना 13 मिनट देते हैं। यह एक्सप्लाइटेशन है, इसको बंद करो, इसको बदलो, बदलो टाइम के आधार पर, समय के आधार पर व्यापार, व्यापार का विनिमय समय के आधार पर हो। तो उस समय कहते तो अपनी तकनीक को बदलो। तकनीक माने कि तुम जो यूरोप के अंदर से जो तकनीक लेते हो, मशीन लेते हो, तो तुम उनके मशीन लेते हो लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं लेते हो। अगर हमको कोई अपने मशीन के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी दे तब तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तुम गुलाम के जैसे क्यों लेते हो? और जब हम उनकी उनको टेक्नोलॉजी लेंगे तो उस टेक्नोलॉजी का जो नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को इस बार लोक ये लाल किला से कहा, 1 घंटा 45 मिनट के भाषण में केवल 6 शब्द हैं महत्वपूर्ण, निचोड़, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। ये देश को करना है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और संतुष्टिकरण से लड़ना है। ये तीन बुराई को हटाओ और 3 अच्छाई को ग्रहण करो। तो जो रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, तो उसी समय समाजवादी होने के नाते डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में हम लोग चलते थे।
कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सभी क्षेत्रों में, सभी समग्र क्षेत्रों में रूपांतरण, आज़ाद भारत का रूपांतरण होना चाहिए। लेकिन करता कौन? फिर आप कहेंगे कि कहने वाले तो कहे, गांधी ने कहा, लोहिया ने कहा, करता कौन? तो यहीं पर आता है जो राज चलाने वाले होते हैं उनका विल टू पावर। डॉक्टर लोहिया की किताब है उस समय जो, उसका नाम ही है विल टू पावर, इच्छा शक्ति, कि हमको ऐसा करना है, या तो हम करेंगे नहीं तो मरेंगे, या तो करके जाएंगे और नहीं तो करते करते मर के जाएंगे, लेकिन हम करके जाएंगे। ये जो डिटर्मिनेशन है विल टू पावर जो अभी नरेंद्र मोदी में है, अगर यही विल टू पावर और डिटर्मिनेशन वाला प्रारंभिक समय ही भारत का कोई नेतृत्व प्रदेशों में और केंद्र में आया होता, तो आज भारत जहां खड़ा है, भारत विश्व के सबसे शीर्ष स्थान पर खड़ा होता, शीर्ष स्थान पर खड़ा होता। तो इन विसंगतियों को मिटाने का प्रयास करना चाहिए, जो विसंगति है समाज के अंदर, और जहाँ जहाँ विसंगति है उनको कैसे मिटे, उसके लिए समय लगेगा। और हम समाजवादी थे, डॉक्टर लोहिया ने हम लोगों को कहा था, अरे 5,000 साल के रोग को कोई 25-50 बरस में इलाज नहीं कर सकते हो, धीरज रखो, तुम अपनी दृष्टि सही रखो, दिशा सही रखो, संकल्प सही रखो, और तुम अपने इस परिवर्तन के काम में निरंतर लगे रहो, तुम अपना भी परिवर्तन करो, समाज का भी परिवर्तन करो, राष्ट्र का भी परिवर्तन करो, अपनी नीतियों को भी परिवर्तित करते रहो, तब कहीं जाके 200-400 साल में जाकर के इस परिवर्तन का पूरा रूप दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये 5,000 बरस का कोर है। एक हालिया विसंगति है, मैं उस विसंगति की तरफ जाऊंगा, आपने ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी, और हम जिसकी मैं जिस सवाल पूछ रहा हूँ, वो विसंगति आज़ादी के बाद बहुत तेज हुई है। 21वीं सदी में हम आधुनिक भारत की परिकल्पना कर रहे हैं और किसान अभी भी लाभकारी मूल्य मांग रहे हैं। आज़ादी के बाद देखा कि किसान को उनकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पाता है, तो ये समस्या जो आधुनिक भारत की समस्या है, एक समय तक जो सिस्टम था वो किसान मुख्य फसल बेचकर ही, फसल के बेस पर ही सारा व्यापार कर लेते थे, लेकिन अब फसल गौण हो गई है, रुपया शीर्ष हो गया है और किसानों को भी उनकी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो आज़ाद भारत की जो सबसे बड़ी समस्या अगर मैं समझता हूँ तो यह है कि किसान अपनी ही फसल का वाजिब दाम मांग रहा है, तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, समस्या का समाधान कैसे है? देखिए, आप लोगों ने उस राज को नहीं देखा है जब किसानों को लेवी लगती थी, और हमको हम उस समय पीड़ित थे, हमारे पिताजी साधारण किसान थे, लीडर को खुशामद करने जाते थे, सरकार के तरफ से लेवी लग जाती थी किसान को, उपज हो या नहीं वो खेत में, लेकिन लेवी लगती थी, तो इनको 50-25 क्विंटल आपको धान देना है, आपको 50 क्विंटल देना है जमीन के हिसाब से। और हम लोगों की जमीन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थी, कभी कभी अपने खाने के लिए भी अनाज नहीं पैदा हो, 3 महीना तक पानी में डूबा रह जाए, ऊपर से ले भी आ जाए कि आपको, मेरे पिताजी के उस समय गांव के अपनी बीघा के हिसाब से 100 बीघा जमीन थी, जिसको कहिए 60-70 एकड़ थे दोनों, दो भाई में, तो खेत में गेहूँ ये धान पैदा हुआ था, एक साल कुल 30 मन, अब 30 मन धान में साल भर अपने खाओ, परिवार को खिलाओ कि मजदूरी कराओ, और ऊपर से ले भी लग गई थी 10 मन, नहीं दो तो मुकदमा होगा। उस युग को भी हमने देखा है, जो नहीं देखा है उस युग को उनको नहीं पता है। नहीं, हम लोग तो आज आज़ाद भारत में ना, अपना एक लोकतंत्र है। देखिए, आज़ाद भारत में है, मैं आज़ाद भारत की बात कर रहा हूँ, जब किसान को ले भी लगी थी, आज़ाद भारत की बात कर रहा हूँ, जब हिंदुस्तान के लोग अमेरिका का PL 480 का सरा हुआ गेहूं खाते थे, ज्वार खाते थे, पर संपन्न लोग लाइन लगाने जाते थे, मैं उस समय 60 में ग्राम पंचायत का प्रधान था, अच्छे अच्छे लोग आ जाते थे, चुपचाप कान में कहते थे, मुखिया जी ध्यान रखबै, हमरो सब के चूल्हा बंद है, लेकिन वो लाइन में नहीं लग सकते थे इज्जत के कारण, ऐसे ऐसे लोगों को चुपचाप नज़र में रखते थे और उनको कहते थे कि अपना बोरा चाहे गठरी वाला रख दीजिए उधर, और रात में
वो डीलर को कहते थे कि इस सब में इनके 10 किलो 15 किलो के हिसाब से बांध दो और अपने आदमी के मार्फत उनके घर पर चुपचाप पहुँचाया। उस भारत को भी हमने देखा है, भोगा है। जब देश आजाद हुआ था तो जनसंख्या 35 करोड़ और जमीन 13 मिलियन हेक्टेयर और उत्पादन होता था 50 मिलियन टन। जमीन 13 करोड़ मिलियन हेक्टेयर, उत्पादन 50 मिलियन टन, जनसंख्या 35 करोड़। आज वही भारत है जो जनसंख्या 135 करोड़, जमीन 13 से घट के 11, खेती के काम विकास में चले गए और उत्पादन हो रहा है आज 200 मिलियन टन। कैसे हुआ साहब, कैसे हुआ? इसलिए किसान के अंदर जो MSP है, समर्थन मूल्य, बाद में आया है। समर्थन मूल्य का मतलब क्या, उसमें फिर आया। हम ही लोग लड़ते थे चौधरी चरण सिंह के समय में, समाजवादी किसान सभा में, डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में, कि नहीं लाभकारी मूल्य, समर्थन मूल्य लाभकारी मूल्य। तो स्वामीनाथन की कमेटी ने लाभकारी मूल्य की बात की है, समर्थन मूल्य का नहीं। एक अपनी जगह सही है, लेकिन कभी इस बात को हिंदुस्तान के किसी किसान ने, जो किसान के नाम पर, एक है किसान के नाम पर नेतागिरी करना, एक है किसान के लिए नेतागिरी करना, एक है किसान के द्वारा नेतागिरी करना, ये तीनों में फर्क है, फर्क है। तो जब हम सोचेंगे तो कभी हमने ये सोचा कि हिंदुस्तान के अंदर जो ये मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स 86.07% है, मतलब 2 हेक्टेयर से कम जमीन जोतने वाले 86% लोग हैं और 1 हेक्टेयर से कम जमीन जोतने वाले लोग 68% हैं। तो जो 68% किसान सीमांत किसान हैं, भूमिहीन के बराबर हैं, अपने खेत में खेती करते हैं और पार्ट टाइम में जाके मजदूरी करते हैं, दोनों है, किसान है मजदूर साथ साथ हैं। और ऐसे किसान जो ये 67% जो किसान है, अब इनकी अभिसंगति बिहार में 96.96, मतलब 97% हैं ये, गौर करिएगा। और हरियाणा में 68.57% है और पंजाब में 33.11% है। तो कहाँ ये मार्जिनल किसान बिहार में 97 और कहाँ पंजाब में है 33, क्या दोनों के लिए समान नीति बन सकती है क्या? जो कहते हैं वो अवैज्ञानिकता की बात करेंगे, दोनों की समान नीति नहीं बनेगी। दूसरा है, एक किसान है जिसके खेती के अलावे उसके घर में नौकरी भी है, दूसरा किसान है जिसके घर में खेती के अलावे नौकरी और व्यापार दोनों है, तीसरा किसान है जिसके घर में खेती, नौकरी, व्यापार और राजनीति तीनों है, और एक किसान है जिसके घर में खेती के अलावे दूसरा आय का कोई जरिया नहीं है। तो जब किसान की बात हम करेंगे तो किसको पहले उठावेंगे, हम किसके लिए पहले बात करेंगे? ईमानदारी है, अगर देश के अंदर हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना है तो हम सबसे पहले जो हिंदुस्तान के ये जो 86% जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी बात करेंगे, उनके खेती में अच्छी खेती हो, उनके टेक्नोलॉजी उन्हीं के अनुसार हो, उनको समय से पानी मिले, उनके फसल की खरीदी हो, और जिसके घर में खेती, नौकरी और व्यापार ये तीनों है रोजगार, और वही अगर कहे कि पहले मेरी सुविधा दो, उनकी बात मत करो, और उसी के पीछे लोग पागल होकर दौड़ने लगे क्योंकि उनके उनको जात का समर्थन है, किसान स्वयं भी अपने भी तो सोचे। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि दिया है, किसके लिए है? वो जो जिसके पास में खेती के अलावे जिसके पास में कोई दूसरा आय का जरिया नहीं है, ऐसे किसान को 6,000 रुपया साल में देंगे सपोर्ट,
ये मान के चलेंगे 6,000 रुपया साल में देने का मतलब उनके पास में अगर अगर 1 हेक्टेयर जमीन है तो 1 हेक्टेयर पर 6,000 हुआ साल का कंपनसेशन। ऐसे समझिए 1 हेक्टेयर जमीन वाले किसान को साल में 6,000 उनको मिला कंपनसेशन सपोर्ट, जिसको कहिए लाइफ सपोर्ट। और अब ये जो बाकी किसान हैं, बाकी किसान वो भी उसी किसान के जैसे लेना चाहेंगे। फिर इसको ऐसे आइए, आखिरी में मैं कंक्लूड कर देता हूँ। डॉक्टर लोहिया के समय में हम लोग नारा लगाते थे, खेती नौकरी और व्यापार, एक आदमी एक रोजगार। एक रोजगार आप कहोगे कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं करते, नरेंद्र मोदी को कहिए ना पार्लियामेंट में सभी एमपी को, आप अपने एमपी को कहिए कि तुम नारा लगाओ खेती नौकरी और व्यापार, एक आदमी एक रोजगार। और नरेंद्र मोदी 10 बजे तुम नारा लगाओ, और 4 बजे तक अगर नरेंद्र मोदी नोटिफिकेशन नहीं कर दे तो हुकुम देव नारायण यादव जहर खा लेगा। मांगो मांगो ना, सरकार को इस पर दबाओ ना। इसके लिए पार्लियामेंट में कहा तुम्हारी जीव में ताकत है, क्योंकि तुम वेस्टेड इंटरेस्ट हो, तुम निहित स्वार्थी हो। ये 3 फार्मूला शहर लागू कर दो, खेती नौकरी और व्यापार, एक आदमी एक रोजगार। जिसको खेती है व्यापार है उसको कोई नौकरी नहीं देंगे सरकार की, चाहे वो आईएएस की नौकरी हो और चाहे चपरासी की नौकरी हो। किसको देंगे? जिसके पास में खेती नौकरी और व्यापार, जिसके पास में न खेती है और न व्यापार है, जो बिल्कुल बेरोजगार है उसको प्रायोरिटी दो। नहीं, पर इसमें आपने ये कहा, ऐसा कहना चाह रहे हैं किसानी में भी आरक्षण जैसा कुछ आएगा कि किसान की 4 वो होंगी, एक के पास तो खेती और व्यापार है, एक के पास सिर्फ खेती है, मतलब हम इस तरह की बात करें, इस तरह से पॉलिसीज बनाएं? नहीं, फिर आरक्षण इस बात से? आरक्षण शब्द हमारा नहीं है, मैं आरक्षण का विरोधी हूँ। हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे सिर्फ उसको? हाँ ना, मैं आरक्षण का विरोधी हूँ शब्द का जी। हमारे समाजवादी नेता डॉक्टर लोहिया कहते थे विशेष अवसर, स्पेशल अपॉर्चुनिटी, विशेष अवसर। विशेष अवसर माने कि घर में कोई बीमार है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसको दूध दो, फल दो, अंडा दो, लेकिन जब वो स्वस्थ हो जाता है तब भी वो घर में परिवार के सबको कहे कि मुझको वही खाना देते रहो, तो डॉक्टर लोहिया कहते थे नहीं, तब उसकी क्रूरता है, अमानवीयता है। वो स्वस्थ हो गया तो जाओ, कोई बीमार है उसको फिर बीमार वाला खाना खिलाओ। इसका मतलब आरक्षण के अंदर भी जो आदमी आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से सबल होते जाए उनको बाहर करते जाओ, और जो नीचे छूटा हुआ है उनको विशेष अवसर, स्पेशल अपॉर्चुनिटी, तो स्पेशल अपॉर्चुनिटी देके उनको ऊपर लाते जाओ। और जब वो स्पेशल राइट वाले बन जाते हैं, आरक्षण स्पेशल राइट, स्पेशल माने विशेषाधिकार, तो जन्म के आधार पर विशेषाधिकार था कुछ जातियों को, और अर्थ के आधार पर विशेषाधिकार है कुछ पूंजीपतियों को, और आरक्षण के आधार पर विशेषाधिकार है कुछ आरक्षणवादियों को, तो बाकी जो लोग छूट जाते हैं जिनको कहते हैं छूटे हुए लोग जी। तो स्पेशल अपॉर्चुनिटी माने विशेष अवसर, विशेषाधिकार बनाम विशेष अवसर, कि विशेषाधिकार को मिटाते चलो और विशेष अवसर वाले को आगे बढ़ाते चलो, लंबे समय के बाद ये बराबरी में लाने का प्रयास करो, लेकिन संपूर्ण समता की बात करना पाखंड है। टोटल इक्वालिटी जिसको कहते हो, कहेगा को लोग, वो पाखंड है, कभी भगवान भी नहीं, ईश्वर भी नहीं पूर्ण बराबरी की कर पाए। हाँ, उसको कहते हैं, डॉक्टर लोहिया ने कहा था संभव बराबरी, संभव संभव, हम गैप को मिटाते जाएंगे। कैसे मिटाबेंगे? तो उसके लिए प्रयत्न करेंगे। तो हमने वो प्रयत्न, एक हमारा उस समय था कि 100 से कम न 1,000 से ज़्यादा समाजवाद का यही तकाजा, कि एक नीति निर्धारित करो कि इस कंपनी में है तो इस कंपनी के डायरेक्टर को अगर 1,000 रुपया मिलेगा तो इस कंपनी के पीन को 100 रुपया मिलेगा, ये नीति बनाओ। भाई चांसलर को 1,000 रुपया तो चपरासी को 100 रुपया, कि सब 100 से कम न 1,000 से ज़्यादा, तो ये नीति, ये देखो मैं नीति की बात कर रहा हूँ जी। अब आप कहोगे कि कोई ये नहीं किया, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कर रहे, उन्हें ये सब है नीति करने की बात,
करने की बात किसको है, कर सकता है देश में पार्लियामेंट या कर सकती है जुडिशरी। तो जुडिशरी है उसके जो सोशल कैरेक्टर हैं, आर्थिक और सामाजिक चरित्र है वो फ्यूडलिस्ट है, वो सामंतवादी चरित्र है, परिवारवादी चरित्र है, तो उसे संभव नहीं है, तब कर सकता है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट करे तब जब पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के सदस्य की इच्छा शक्ति हो, तब विल पावर। और सामूहिक इच्छा केवल किसी व्यक्ति की नहीं, सामूहिक इच्छा, सामूहिक इच्छा। आरक्षण पे जो अभी आपने बोला तो अब फिर एक सवाल आ जाएगा कि तो महिला आरक्षण पर आपका क्या कहना है? देखो हाँ। फिर मैं आरक्षण की बात किया ना हाँ। तो जब महिला आरक्षण की बात आएगी तो हम जिस समय थे उस समय हम जब आरक्षण की बात करते थे ना कि डॉक्टर लोहिया बांधे गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60, और उस पिछड़ा में पिछड़ा केवल एक एक समूह था, पिछड़ा में पांच थे, कौन कौन? अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, महिला ऑन द होल, और धार्मिक अल्पसंख्यक में पिछड़ा मुसलमान में, जिसको आजकल पसमंदा मुसलमान कहते हैं वो। तो हमारे ये पांच थे, आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, महिला ऑन द होल, और उसके बाद धार्मिक अल्पसंख्यक का पिछड़ा, सरदार में भी है हरिजन और पिछड़ा, ओ इन सब को मिला करके ग्रुप बना के कहते थे संसो पाने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। तब 100 में 60 क्यों? तो लोकतंत्र में 51 का राज है ना, 51, और हम इनको कहते हैं 60, तो पूर्ण बहुमत दिया ना, आज जब पूर्ण बहुमत होगा तो अपनी मर्जी से कानून बना लेगा, 60 को 80 कर लेगा, 60 को 90 कर ले, लेकिन इनको पूर्ण बहुमत कहाँ? सभी चीज में, सब जगह, सरकारी नौकरी, राजनीति, व्यापार और पलटन, इन चारों क्षेत्रों में ये नीति लागू हो, इतनी व्यापकता से बात करते थे। लेकिन हो कब? हो कब? जब पॉलिटिकल सिस्टम जो है, सिस्टम मैं व्यक्ति की बात नहीं करता, पॉलिटिकल सिस्टम का रिफॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, रिफॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, रिफॉर्म ऑफ जुडिशियल सिस्टम, रिफॉर्म ऑफ सोशल सिस्टम, ये समाज का रूपांतरण हो, न्यायपालिका का रूपांतरण हो, कार्यपालिका का रूपांतरण हो और विधायिका का रूपांतरण हो, ये चारों के रूपांतरण करने के लिए दो ही रास्ता है, एक तो चीन और रूस वाला रास्ता है, कत्ल करो, और दूसरा रास्ता है पार्लियामेंट के अंदर कानून बना के करो। तो पार्लियामेंट के अंदर कानून बनेगा कब? जब ये सभी की सहमति होगी तब, नहीं तो पार्लियामेंट कानून बनेगा और सुप्रीम कहेगा कि नहीं ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अब उसके आगे कोई है अपील तो कुछ नहीं है। तो मान लो जब यहाँ आके बात अटक गई है तो यहाँ से रास्ता कौन निकालेगा? तो लोकतंत्र में जब कहीं अवरोध पैदा हो जाए, लोकतंत्र में कहीं गतिरोध पैदा हो जाए, लोकतंत्र में कहीं स्पीड ब्रेकर आ जाए, तो उसको तोड़ने के लिए अंतिम पावर है जनता को, कि जनता अपने विल पावर से ऐसी सरकार और सत्ता को पावर में लाए जो पूरी ताकत के साथ इस ओर कदम उठाए, और उस रास्ते में अगर जुडिशरी भी बाधक हो तो रास्ता निकाले। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय देश के लिए है कि देश सर्वोच्च न्यायालय के लिए है? ये जज साहब हमारे लिए हैं कि हम जज साहब के लिए हैं? 135 करोड़ लोग वो हमारे लिए हैं, मेरे लिए हैं? तो ये जहां पर जिसको कहते हैं एक वैधानिक क्रांति और एक है खूनी क्रांति, खूनी क्रांति से परिवर्तन करने वाले हुए फिर बैताल डाल पर,
कहीं ना कहीं फिर वही व्यक्ति की तानाशाही आ गई। पुतिन होंगे तो आजीवन बनेंगे और वो चिनफिंग होंगे तो आजीवन रहेंगे। तो ये जो तानाशाही एक है डेमोक्रेसी, तो लोकतंत्र बनाम समता बराबरी, ये जो हमारा सिद्धांत जो गांधी ने दिया था और हमारा आधार है, उसको कैसे लागू होगा? तो लागू होगा करने वाले विल पावर के साथ करें और जनमत का समर्थन। डॉक्टर लोहिया ने 1952 में किताब लिखी है जो मैं लेख में लिखा था, कोट किया था कि लोहिया ने लिखा था, ऐसे समाजवादियों को कहा था, ऐसे समाजवादियों ऐसा समय भी आएगा जब कोई ऐसी पार्टी आएगी जिसके खिलाफ सारी पार्टियां एक तरफ हो जाएगी, वैसे समय में वह पार्टी दृढ़ता के साथ अकेले खड़ी रहे और उन सभी का मुकाबला करे, तो उसी समय भारत के लोगों के शक्ति का चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेगा। ये डॉक्टर लोहिया ने सपना देखा, चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेगा, लेकिन उस दल को और उस नेता को भी उतने विल पावर होनी चाहिए कि नहीं, सब खिलाफ हो तो हम अकेले हैं, अपनी राह पर चलेंगे, या तो बदलेंगे या नहीं तो। स्वागत है। इसी के साथ इस कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल हम संपादक जी से लेते हैं। हम आज़ाद भारत में जो खेती है उस पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के जीतने के बाद आपका एक भाषण बहुत लोकप्रिय हुआ था, आज की भाषा में कहा जाए तो वायरल हुआ था, उसमें आपने एक दो चीज़ें बोली थी। एक तो इंडिया गेट पे अपना एक किस्सा सुनाया था कि आपने एक कुत्ते को देखा जो बड़ी सी गाड़ी में बैठा था। अब लगभग 10 साल पूरे होने वाले हैं मोदी कार्यकाल के, इन 10 साल में आपको वो जो फ़र्क है इंडिया और हिंदुस्तान का, वो थोड़ा सिमटता हुआ दिखाई दिया है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, वो जो कुत्ते की ज़िंदगी है उसके मुकाबले जो आपने गांव खेती और उनके लिए बात की थी, उनकी ज़िंदगी थोड़ा सा और ऊपर आती हुई दिखी है। अगर दिखी है तो कितना दिखी है और कितना काम करना अभी बाकी है? देखिए, आपको धन्यवाद। मैं गांव में पला बढ़ा, अपने हाथ से हल चलाया, कुदाल चलाया, गाय भैंस को सानी पानी खिलाया, दूध निकाला, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जब मेरा बचपन था, उस बचपन में के समय में, उस समय 1939 में मेरा जन्म है और 1942 में क्रांति में मेरे पिताजी और मेरे 8 चाचा 4 चचेरा भाई और गांव के 2 बढ़ई 2 निषाद, ये इतने लोग रेल पुल तोड़ करके जेल गए थे। 4-4 साल की सजा हुई थी, तो अंग्रेजी राज के उस जुल्म को भी देखा था। उस समय मैं 3 साल का था, तो मैं कह सकता हूँ कि 1940 का जो दशक है उससे पहले, और तो अगर मुझे ही आँख में पट्टी बांध दी जाती उस समय, और आज अगर दिल्ली में ला के खड़ा किया जाता, चाहे गांव के, मेरे ही गांव के चौराहे पर, तो मैं ये कह सकता था कि मैं कहाँ चला आया, मैं नरक में से ये स्वर्ग में की यात्रा तक कैसे हो गई। तो आप ही समझिए कि कितना रूपांतरण हुआ है।
मैं अपनी जिंदगी में उस रूपांतरण को देखा हूँ। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जब बाढ़ के समय में घुटने भर पानी में खड़े खड़े महिलाएं भी सोच करती थी, और जब रात में निकलती थी तो टिपटिप पानी बरसे, इतने कीचड़ से जाके आवे, पैर के कीचड़ को धोने के लिए पानी नहीं रहता था तो उसको ऐसे पोछ के और कीचड़ के साथ ही लेट जाती थी चटाई पर। पैर का कीचड़ गांव के लोगों को अपने आप सूख के झड़ जाता था। मिट्टी की ढिबरी वाली दीप जलाते थे और उसको जला के रात में सोते थे। सवेरे हम 6 भाई बहन थे तो सब बच्चे सब उठते थे, चचेरे भाई भी सब थे, बहन थी, तो उठते थे नाक में उंगली ले के ऐसे देखते थे कि किसकी उंगली में कितना काला है। तो मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड से तो तुम मरते हो और हम तो बचपन में जितना कार्बन डाइऑक्साइड पचा चुके हैं तो अब मुझ पर क्या असर करेगा। तो हम तो उस जिंदगी से निकल के इस जिंदगी में आए कि आज एक लालटेन घर में संपन्न किसान को रहता था, उसी लालटेन से घूम के सब काम करते थे, बच्चे पढ़ते भी थे, गाय भैंस का दूध निकालना हो तो लालटेन लेके दूध निकाल आते थे, तब तक बच्चे बैठे रहते थे, फिर लालटेन आवे फिर। और आज के भारत में उसी बिहार में मैं अपने गांव को देखता हूं तो गरीब के हर कमरे में जब 24 घंटा ये रोश भी बल्ब की रोशनी को देखता हूं और उनके बच्चे सब किताब लेके पढ़ते रहते हैं और वो अपने मोबाइल को चार्जर में लगा के जब वो चार्जर चार्ज कर लिया और जब कहीं जाते हैं रिश्तेदारी में तो एक तरफ अपने खाने के लिए बैठते हैं, दूसरे तरफ मोबाइल को चार्जर में लगा देते हैं, अपना पेट भी भर लेते हैं, मोबाइल का पेट भी भर देते हैं। ये है दृष्टिकोण देखने का। कभी इस पर चिंतन लोग नहीं करते हैं कि अगर गांव हिंदुस्तान में हर घर ये बिजली की रोशनी नहीं गई होती तो ये 2-3 साल कोरोना के पीरियड में हिंदुस्तान के गांव में बसने वाले लोग हैं और गरीब के जो बच्चे हैं वो सब 3 साल पढ़ाई में पीछे पड़ जाते क्योंकि ऑनलाइन क्लास करते कहाँ से करते। लेकिन ये बिजली तो उनके घर घर चली गई थी तो किसी के पढ़ाई नहीं रुके, सब ये मोबाइल पर ही सही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे। और मैं जब दिल्ली से फ़ोन करके हालचाल पूछता था तो बहुत साथी को कहता था भाई सवेर से हम मोबाइल किए 3-4 बार लगाए, कहाँ मोबाइल है? तो कहे कि सर 12 बजे तक मोबाइल जो है से पोती पोता बेटा रख ले रहे है बेटी वकरा सबके पढ़ाई हुई है या 12-1 बजे के बाद मोबाइल हम लो ले छे आ तब तो कुकरा रहे है। ये है अनुभूति। अगर उन बच्चों के 3 साल उनका बचपन अगर पीछे चला जाता तो कभी इस दृष्टि से देखिए कि अगर किसी बच्चे की जिंदगी जवान की जिंदगी 3 साल पीछे चला जाए तो पूरा हिंदुस्तान 3 साल पीछे चला जाएगा और जब पूरा देश 3 साल पीछे चला जाएगा तो हिंदुस्तान का संपूर्ण विकास और संपूर्ण 3 साल पीछे चला जाएगा। तो देश आगे बढ़ेगा कि पीछे बढ़ेगा? देश की अर्थव्यवस्था आगे हटेगी कि पीछे जाएगी? लेकिन नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया कि हर घर तक बिजली पहुंचा देना है और हर घर तक बिजली पहुंच गई तो हिंदुस्तान की अर्थनीति हो, किसान जिस क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र जो 3 साल पीछे चला जाता वो 3 साल पीछे नहीं गया बल्कि उस 3 साल के अंदर ऑनलाइन घर में बैठ करके लोगों ने जो काम करने का सीखा जिसको कहते हैं कल्चर संस्कृति, घर बैठे, तो घर बैठे काम करने का किया। क्यों किया? क्योंकि उनको घर बैठ करके काम करने की बिजली की सुविधा थी।
आपने कहा एक आपने अंतर बताया कि ये अंतर आया है, इस तरह के अंतर आए हैं, परंतु मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो शहर और गांव का वो अंतर बहुत बड़ा है, अंतर ये बड़ा है, क्या किसी यदि शहर में हम बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसकी खुली छूट है कि वो अपने व्यवसाय को बहुत आगे बढ़ा ले, परंतु वहीं पर मैं देख रहा हूँ कि किसानों की का जो अवसर है खेती में, चाहे उसके कृषि उपज हो, चाहे दूध हो, चाहे जो भी चीज़ें हैं, उनको यदि बढ़ाने का जब अवसर मिलता है तो उस पर चाबुक चल जाता है, या जैसे भी चाबुक चले सरकार की तरफ से चले कि नहीं ये तुम्हारी यही स्तर है, यहीं तक अपने दाम बढ़ाओ, तुमको बढ़ने का आगे का अवसर नहीं मिल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको भी और हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को कहूँगा, मैं बराबर बोलते रहा हूँ सब जगह, कि विश्वविद्यालय में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके भी अपनी दृष्टि और शोध की दृष्टि बदलनी पड़ेगी। 1956 में डॉक्टर लोहिया ने मैनकाइंड में लेख लिखा था, उसमें लिखा था कि हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर पढ़ाई को बदलो, केवल व्याख्या तक ही मत रखो, अनुसंधान और व्याख्या में मत उलझे रहो, विश्लेषण भी करो। तो भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि जितनी भी क्षेत्र में काम करने वाले हैं वे अनुसंधान किए, व्याख्या किए, लेकिन विश्लेषण। नमस्कार, किसान तक के विशेष प्रोग्राम किसान तक न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं मनोज भट्ट, आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि मौजूद हैं। गांव से संसद तक का सफ़र आपने तय किया है, ग्राम प्रधान से केंद्रीय मंत्री तक का सफ़र आपने तय किया है, देश के एक सशक्त किसान नेता के तौर पर आपकी पहचान है, तो चुटीले अंदाज में गंभीर बातें कहने के लिए देश आपको पहचानता है। मैं बात कर रहा हूँ देश के वरिष्ठ किसान नेता, भाजपा के वरिष्ठ किसान नेता, दो बार भारतीय जनता पार्टी की किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुकुम नारायण देव यादव जी की बहुत बहुत स्वागत है हुकुम जी आपका। धन्यवाद, धन्यवाद, आप सब उनका भी स्वागत है। इसी के साथ इस कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, भारत में जो खेती है उस पे तो चर्चा करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के जीतने के बाद आपका एक भाषण बहुत लोकप्रिय हुआ था, आज की भाषा में कहा जाए तो वायरल हुआ था, उसमें आपने एक दो चीज़ें बोली थी। एक तो इंडिया और हिंदुस्तान के बारे में आपने बोला था, साथ में आपने एक इंडिया गेट पे अपना एक किस्सा सुनाया था कि आपने एक कुत्ते को देखा जो बड़ी सी गाड़ी में बैठा था। अब लगभग 10 साल पूरे होने वाले हैं मोदी कार्यकाल के, इन 10 साल में आपको वो जो फ़र्क है इंडिया और हिंदुस्तान का, वो थोड़ा सिमटता हुआ दिखाई दिया है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, वो जो कुत्ते की ज़िंदगी है उसके मुकाबले जो आपने गांव खेती और उनके लिए बात की थी, उनकी ज़िंदगी थोड़ा सा और ऊपर आती हुई दिखी है। अगर दिखी है तो कितना दिखी है और कितना काम करना अभी बाकी है? देखिए, आपको धन्यवाद। मैं गाँव में पला बढ़ा, अपने हाथ से हल चलाया, कुदाल चलाया, गाय भैंस को सानी पानी खिलाया, दूध निकाला, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जब मेरा बचपन था, उस बचपन में के समय में, उस समय
1939 में मेरा जन्म है और 1942 में क्रांति में मेरे पिताजी और मेरे 8 चाचा, 4 चचेरा भाई और गांव के 2 बढ़ई, 2 निषाद, ये इतने लोग रेल पुल तोड़ करके जेल गए थे। 4-4 साल की सजा हुई थी। तो अंग्रेजी राज के उस जुल्म को भी देखा था। उस समय मैं 3 साल का था। तो मैं कह सकता हूँ कि 1940 का जो दशक है उससे पहले, और तो अगर मुझे ही आँख में पट्टी बांध दी जाती उस समय, और आज अगर दिल्ली में लाके खड़ा किया जाता, चाहे गांव के, मेरे ही गांव के चौराहे पर, तो मैं ये कह सकता था कि मैं कहाँ चला आया। मैं नरक में से ये स्वर्ग में की यात्रा तक कैसे हो गई, तो आप ही समझिए कि कितना रूपांतरण हुआ है। मैं अपनी ज़िंदगी में उस रूपांतरण को देखा हूँ। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जब बाढ़ के समय में घुटने भर पानी में खड़े खड़े महिलाएं भी सोच करती थी, और जब रात में निकलती थी तो टिपटिप पानी बरसे, इतने कीचड़ से जाके आवे, पैर के कीचड़ को धोने के लिए पानी नहीं रहता था, तो उसको ऐसे पोंछ के और कीचड़ के साथ ही लेट जाती थी चटाई पर। पैर का कीचड़ गांव के लोगों को अपने आप सूख के झड़ जाता था। मिट्टी की ढिबरी वाली दीप जलाते थे और उसको जला के रात में सोते थे। सवेरे हम 6 भाई बहन थे, तो सब बच्चे सब उठते थे, चचेरे भाई भी सब थे, बहन थी, तो उठते थे, नाक में उंगली ले के ऐसे देखते थे कि किसकी उंगली में कितना काला है। तो मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड से तो तुम मरते हो, और हम तो बचपन में जितना कार्बन डाइऑक्साइड पचा चुके हैं, तो अब मुझ पर क्या असर करेगा। तो हम तो उस जिंदगी से निकल के इस जिंदगी में आए कि आज एक लालटेन घर में संपन्न किसान को रहता था, उसी लालटेन से घूम के सब काम करते थे, बच्चे पढ़ते भी थे, गाय भैंस का दूध निकालना हो तो लालटेन लेके दूध निकाल आते थे, तब तक बच्चे बैठे रहते थे, फिर लालटेन आवे फिर। और आज के भारत में, उसी बिहार में मैं अपने गांव को देखता हूं, तो गरीब के हर कमरे में जब 24 घंटा ये बल्ब की रोशनी को देखता हूं, और उनके बच्चे सब किताब लेके पढ़ते रहते हैं, और वो अपने मोबाइल को चार्जर में लगा के जब वो चार्ज कर लिया, और जब कहीं जाते हैं रिश्तेदारी में तो एक तरफ अपने खाने के लिए बैठते हैं, दूसरे तरफ मोबाइल को चार्जर में लगा देते हैं, अपना पेट भी भर लेते हैं, मोबाइल का पेट भी भर देते हैं। ये है दृष्टिकोण देखने का। कभी इस पर चिंतन लोग नहीं करते हैं कि अगर गांव हिंदुस्तान में हर घर ये बिजली की रोशनी नहीं गई होती, तो ये 2-3 साल कोरोना के पीरियड में हिंदुस्तान के गांव में बसने वाले लोग हैं और गरीब के जो बच्चे हैं, वो सब 3 साल पढ़ाई में पीछे पड़ जाते, क्योंकि ऑनलाइन क्लास करते कहाँ से करते। लेकिन ये बिजली तो उनके घर घर चली गई थी, तो किसी के पढ़ाई नहीं रुके, सब ये मोबाइल पर ही सही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे। और मैं जब दिल्ली से फ़ोन करके हालचाल पूछता था, तो बहुत साथी को कहता था, भाई सवेर से हम मोबाइल किए, 3-4 बार लगाए, कहाँ मोबाइल है। तो कहे कि सर 12 बजे तक मोबाइल जो है से पोती पोता बेटा रख ले रहे है, बेटी वकरा सबके पढ़ाई हुई है, या 12-1 बजे के बाद मोबाइल हम लो ले छे, आ तब तो कुकरा रहे है। ये है अनुभूति। अगर उन बच्चों के 3 साल उनका बचपन अगर पीछे चला जाता, तो कभी इस दृष्टि से देखिए कि अगर किसी बच्चे की जिंदगी, जवान की जिंदगी 3 साल पीछे चला जाए,
तो पूरा हिंदुस्तान 3 साल पीछे चला जाएगा। और जब पूरा देश 3 साल पीछे चला जाएगा तो हिंदुस्तान का संपूर्ण विकास और संपूर्ण 3 साल पीछे चला जाएगा। तो देश आगे बढ़ेगा कि पीछे बढ़ेगा? देश की अर्थव्यवस्था आगे हटेगी कि पीछे जाएगी? लेकिन नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया कि हर घर तक बिजली पहुंचा देना है, और हर घर तक बिजली पहुंच गई तो हिंदुस्तान की अर्थनीति हो, किसान जिस क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र जो 3 साल पीछे चला जाता वो 3 साल पीछे नहीं गया, बल्कि उस 3 साल के अंदर ऑनलाइन घर में बैठ करके लोगों ने जो एक काम करने का सीखा, जिसको कहते हैं कल्चर, संस्कृति, घर बैठे, तो घर बैठे काम करने का किया। क्यों किया? क्योंकि उनको घर बैठ करके काम करने के बिजली की सुविधा थी। आपने कहा एक आपने अंतर बताया कि ये अंतर आया है, इस तरह के अंतर आए हैं, परंतु मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो शहर और गांव का वो अंतर बहुत बड़ा है, अंतर ये बड़ा है, क्या किसी यदि शहर में हम बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसकी खुली छूट है कि वो अपने व्यवसाय को बहुत आगे बढ़ा ले, परंतु वहीं पर मैं देख रहा हूँ कि किसानों की का जो अवसर है खेती में, चाहे उसके कृषि उपज हो, चाहे दूध हो, चाहे जो भी चीज़ें हैं, उनको यदि बढ़ाने का जब अवसर मिलता है तो उस पर चाबुक चल जाता है, या जैसे भी चाबुक चले, सरकार की तरफ से चले कि नहीं, ये तुम्हारी यही स्तर है, यहीं तक अपने दाम बढ़ाओ, तुमको बढ़ने का आगे का अवसर नहीं मिल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको भी और हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को कहूँगा, मैं बराबर बोलते रहा हूँ सब जगह, कि विश्वविद्यालय में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके भी अपनी दृष्टि और शोध की दृष्टि बदलनी पड़ेगी। 1956 में डॉक्टर लोहिया ने मैनकाइंड में लेख लिखा था, उसमें लिखा था कि हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर पढ़ाई को बदलो, केवल व्याख्या तक ही मत रखो, अनुसंधान और व्याख्या में मत उलझे रहो, विश्लेषण भी करो। तो भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि जितनी भी क्षेत्र में काम करने वाले हैं वे अनुसंधान किए, व्याख्या किए, लेकिन विश्लेषण नहीं किए। विश्लेषण का मतलब बहुआयामी, चाहे कृषि हो, शिक्षा हो, उद्योग हो, राजनीति हो, व्यापार हो, ये सभी के समग्रता में समेकित विश्लेषण संतुलित। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो उस समय समाजवादी थे, दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान के एक वर्ग के लोगों ने समाज, उनको समाजवाद शब्द से ही घृणा है, वो समाजवाद का मतलब समझते हैं कम्युनिज्म, लेकिन कम्युनिज्म और सोशलिज्म दोनों आकाश पाताल का अंतर है। और नहीं पढ़े हैं जो लोग तो पढ़े डॉक्टर लोहिया की मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म एंड इकोनॉमिक्स आफ्टर मार्क्स, पढ़ ले तो उनको पता लगेगा कि 49-50 के दशक में आज़ादी के आंदोलन के समय से ही जो ये दर्शन डॉक्टर लोहिया लिख रहे थे वो कितनी दूर तक की कल्पना किए थे। तो हमने उसको नहीं देखा उस पर। आप किसान की बात कहते हैं तो एक ही केवल वही नहीं है विषमता, गांव और शहर की विषमता है, उद्योग और कृषि की विषमता है, नौकरी करने वाले और खेती करने वाले की भी विषमता है, जाति के आधार पर भी विषमता है, जन्म के आधार पर विषमता है, लिंग के आधार पर विषमता है, रंग के आधार पर विषमता है, और तकनीकी विषमता भी है। तो ये जो तकनीकी विषमता के कारण जो शोषण होता है, जिसको डॉक्टर लोहिया उस समय उठाते थे, अब कहा था उन्होंने अमेरिका तीन मिनट में जितना सामान बनाता है उसी को रूस 6 मिनट में बनाता है, चीन 9 मिनट में बनाता है, भारत 13 मिनट में बनाता है। और जब हम रुपए के आधार पर लेन देन पर समझौता व्यापार करते हैं तो अमेरिका का 1 मिनट लेते हैं और अपना 13 मिनट देते हैं। यह एक्सप्लाइटेशन है, इसको बंद करो, इसको बदलो टाइम के आधार पर, समय के आधार पर
व्यापार का विनिमय समय के आधार पर हो। उस समय कहते तो अपनी तकनीक को बदलो, तकनीक माने कि तुम जो यूरोप के अंदर से जो तकनीक लेते हो, मशीन लेते हो, तो तुम उनके मशीन लेते हो लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं लेते हो। अगर हमको कोई अपने मशीन के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी दे तब तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तुम गुलाम के जैसे क्यों लेते हो? और जब हम उनकी उनको टेक्नोलॉजी लेंगे तो उस टेक्नोलॉजी का जो नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को इस बार लोक ये लाल किला से कहा, 1 घंटा 45 मिनट के भाषण में केवल 6 शब्द हैं महत्वपूर्ण, निचोड़, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। ये देश को करना है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और संतुष्टिकरण से लड़ना है। ये तीन बुराई को हटाओ और 3 अच्छाई को ग्रहण करो। तो जो रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, तो उसी समय समाजवादी होने के नाते डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में हम लोग चलते थे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सभी क्षेत्रों में, सभी समग्र क्षेत्रों में रूपांतरण, आजाद भारत का रूपांतरण होना चाहिए। लेकिन करता कौन? फिर आप कहेंगे कि कहने वाले तो कहे, गांधी ने कहा, लोहिया ने कहा, करता कौन? तो यहीं पर आता है जो राज चलाने वाले होते हैं उनका विल टू पावर। डॉक्टर लोहिया की किताब है उस समय जो, उसका नाम ही है विल टू पावर, इच्छा शक्ति, कि हमको ऐसा करना है, या तो हम करेंगे नहीं तो मरेंगे, या तो करके जाएंगे और नहीं तो करते करते मर के जाएंगे, लेकिन हम करके जाएंगे। ये जो डिटर्मिनेशन है विल टू पावर जो अभी नरेंद्र मोदी में है, अगर यही विल टू पावर और डिटर्मिनेशन वाला प्रारंभिक समय ही भारत का कोई नेतृत्व प्रदेशों में और केंद्र में आया होता तो आज भारत जहां खड़ा है, भारत विश्व के सबसे शीर्ष स्थान पर खड़ा होता। तो इन विसंगतियों को मिटाने का प्रयास करना चाहिए, जो विसंगति है समाज के अंदर, और जहाँ जहाँ विसंगति है उनको कैसे मिटे उसके लिए समय लगेगा। और हम समाजवादी थे, डॉक्टर लोहिया ने हम लोगों को कहा था, अरे 5000 साल के रोग को कोई 25-50 बरस में इलाज नहीं कर सकते हो, धीरज रखो, तुम अपनी दृष्टि सही रखो, दिशा सही रखो, संकल्प सही रखो और तुम अपने इस परिवर्तन के काम में निरंतर लगे रहो। तुम अपना भी परिवर्तन करो, समाज का भी परिवर्तन करो, राष्ट्र का भी परिवर्तन करो, अपनी नीतियों को भी परिवर्तित करते रहो, तब कहीं जाके 200-400 साल में जाकर के इस परिवर्तन का पूरा रूप दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये 5000 बरस का कोर है। एक हालिया विसंगति है, मैं उस विसंगति की तरफ जाऊंगा। आपने ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी और हम जिसकी मैं जिस सवाल पूछ रहा हूँ, विसंगति आज़ादी के बाद बहुत तेज हुई है। 21वीं सदी में है, हम आधुनिक भारत की परिकल्पना कर रहे हैं और किसान अभी भी लाभकारी मूल्य मांग रहे हैं। आज़ादी के बाद देखा कि किसान को उनकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पाता है, तो ये समस्या जो आधुनिक भारत की समस्या है। एक समय तक जो सिस्टम था वो किसान मुख्य फसल बेचकर ही, फसल के बेस पर ही सारा व्यापार कर लेते थे, लेकिन अब फसल गौण हो गई है, रुपया शीर्ष हो गया है और किसानों को भी उनकी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो आज़ाद भारत की जो सबसे बड़ी समस्या अगर मैं समझता हूँ तो यह है कि किसान अपनी ही फसल का वाजिब दाम मांग रहा है, तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, समस्या का समाधान कैसे है? देखिए, आप लोगों ने उस राज को नहीं देखा है जब किसानों को लेवी लगती थी और हमको हम उस समय पीड़ित थे। हमारे पिताजी साधारण किसान थे, लीडर को खुशामद करने जाते थे, सरकार के तरफ से लेवी लग जाती थी किसान को, उपज हो या नहीं वो खेत में, लेकिन लेवी लगती थी। तो इनको 50-25 क्विंटल आपको धान देना है, आपको 50 क्विंटल देना है जमीन के हिसाब से। और हम लोगों की जमीन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थी, कभी कभी अपने खाने के लिए भी अनाज नहीं पैदा हो, 3 महीना तक पानी में डूबा रह जाए, ऊपर से ले भी आ जाए कि आपको, मेरे पिताजी के उस समय गांव के अपनी बीघा के हिसाब से 100 बीघा जमीन थी, जिसको कहिए 60-70 एकड़ थे दोनों, दो भाई में। तो
खेत में गेहूँ ये धान पैदा हुआ था एक साल कुल 30 मन, अब 30 मन धान में साल भर अपने खाओ, परिवार को खिलाओ कि मजदूरी कराओ, और ऊपर से ले भी लग गई थी 10 मन, नहीं दो तो मुकदमा होगा। उस युग को भी हमने देखा है, जो नहीं देखा है उस युग को उनको नहीं पता है। नहीं, हम लोग तो आज आजाद भारत में ना, अपना एक लोकतंत्र है। देखिए आजाद भारत में है, मैं आजाद भारत की बात कर रहा हूँ, जब किसान को ले भी लगी थी, आजाद भारत की बात कर रहा हूँ, जब हिंदुस्तान के लोग अमेरिका का PL 480 का सरा हुआ गेहूं खाते थे, ज्वार खाते थे, संपन्न लोग लाइन लगाने जाते थे, मैं उस समय 60 में ग्राम पंचायत का प्रधान था, अच्छे अच्छे लोग आ जाते थे, चुपचाप कान में कहते थे मुखिया जी ध्यान रखबै हमरो सब के चूल्हा बंद है, लेकिन वो लाइन में नहीं लग सकते थे इज्जत के कारण, ऐसे ऐसे लोगों को चुपचाप नज़र में रखते थे और उनको कहते थे कि अपना बोरा चाहे गठरी वाला रख दीजिए उधर, और रात में वो डीलर को कहते थे कि इस सब में इनके 10 किलो 15 किलो के हिसाब से बांध दो और अपने आदमी के मार्फत उनके घर पर चुपचाप पहुँचाया। उस भारत को भी हमने देखा है, भोगा है। जब देश आज़ाद हुआ था तो जनसंख्या 35 करोड़ और जमीन 13 मिलियन हेक्टेयर और उत्पादन होता था 50 मिलियन टन, जमीन 13 करोड़ मिलियन हेक्टेयर उत्पादन 50 मिलियन टन, जनसंख्या 35 करोड़। आज वही भारत है जो जनसंख्या 135 करोड़, जमीन 13 से घट के 11, खेती के काम विकास में चले गए और उत्पादन हो रहा है आज 200 मिलियन टन। कैसे हुआ साहब, कैसे हुआ? इसलिए किसान के अंदर जो MSP है, समर्थन मूल्य, बाद में आया है समर्थन मूल्य का मतलब क्या, उसमें फिर आया। हम ही लोग लड़ते थे चौधरी चरण सिंह के समय में समाजवादी किसान सभा में, डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में, कि नहीं लाभकारी मूल्य, समर्थन मूल्य लाभकारी मूल्य, तो स्वामीनाथन की कमेटी ने लाभकारी मूल्य की बात की है, समर्थन मूल्य का नहीं। एक अपनी जगह सही है, लेकिन कभी इस बात को हिंदुस्तान के किसी किसान ने, जो किसान के नाम पर, एक है किसान के नाम पर नेतागिरी करना, एक है किसान के लिए नेतागिरी करना, एक है किसान के द्वारा नेतागिरी करना, ये तीनों में फर्क है, फर्क है। तो जब हम सोचेंगे तो कभी हमने ये सोचा कि हिंदुस्तान के अंदर जो ये मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स 86.07% है, मतलब 2 हेक्टेयर से कम जमीन जोतने वाले 86% लोग हैं और 1 हेक्टेयर से कम जमीन जोतने वाले लोग 68% हैं। तो जो 68% किसान सीमांत किसान हैं, भूमि ही इनके बराबर हैं, अपने खेत में खेती करते हैं और पार्ट टाइम में जाके मजदूरी करते हैं, दोनों है, किसान है मजदूर साथ साथ हैं, और ऐसे किसान जो ये 67% जो किसान है, अब इनकी अभिसंगति बिहार में 96.96, मतलब 97% हैं ये, गौर करिएगा, और हरियाणा में 68.57% है और पंजाब में 33.11% है। तो कहाँ ये मार्जिनल किसान बिहार में 97 और कहाँ पंजाब में है 33, क्या दोनों के लिए समान नीति बन सकती है क्या? जो कहते हैं वो अवैज्ञानिकता की बात करेंगे, दोनों की समान नीति नहीं बनेगी। दूसरा है, एक किसान है जिसके खेती के अलावे उसके घर में नौकरी भी है, दूसरा किसान है जिसके घर में खेती के अलावे नौकरी और व्यापार दोनों है, तीसरा किसान है जिसके घर में खेती नौकरी व्यापार और राजनीति तीनों है, और एक किसान है जिसके घर में खेती के अलावे दूसरा आय का कोई जरिया नहीं है।
तो जब किसान की बात हम करेंगे तो किसको पहले उठावेंगे, हम किसके लिए पहले बात करेंगे? ईमानदारी है, अगर देश के अंदर हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना है तो हम सबसे पहले जो हिंदुस्तान के ये जो 86% जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी बात करेंगे, उनके खेती में अच्छी खेती हो, उनके टेक्नोलॉजी उन्हीं के अनुसार हो, उनको समय से पानी मिले, उनके फसल की खरीदी हो, और जिसके घर में खेती नौकरी और व्यापार ये तीनों है रोजगार, और वही अगर कहे कि पहले मेरी सुविधा दो उनकी बात मत करो, और उसी के पीछे लोग पागल होकर दौड़ने लगे क्योंकि उनके उनको जात का समर्थन है, तो किसान स्वयं भी अपने भी तो सोचे। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि दिया है, किसके लिए है? वो जो जिसके पास में खेती के अलावे जिसके पास में कोई दूसरा आय का जरिया नहीं है, ऐसे किसान को 6,000 रुपया साल में देंगे सपोर्ट, ये मान के चलेंगे। 6,000 रुपया साल में देने का मतलब उनके पास में अगर 1 हेक्टेयर ज़मीन है तो 1 हेक्टेयर पर 6,000 हुआ साल का कंपनसेशन, ऐसे समझिए। 1 हेक्टेयर ज़मीन वाले किसान को साल में 6,000 उनको मिला कंपनसेशन सपोर्ट, जिसको कहिए लाइफ सपोर्ट। और अब ये जो बाकी किसान वो भी उसी किसान के जैसे लेना चाहेंगे। फिर इसको ऐसे आइए, आखिरी में मैं कंक्लूड कर देता हूँ। डॉक्टर लोहिया के समय में हम लोग नारा लगाते थे, खेती नौकरी और व्यापार एक आदमी एक रोजगार, एक रोजगार। आप कहोगे कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं करते, नरेंद्र मोदी को कहिए ना पार्लियामेंट में, सभी एमपी को आप अपने एमपी को कहिए कि तुम नारा लगाओ खेती नौकरी और व्यापार एक आदमी एक रोजगार, और नरेंद्र मोदी 10 बजे तुम नारा लगाओ, 4 बजे तक अगर नरेंद्र मोदी नोटिफिकेशन नहीं कर दे तो हुकुम देव नारायण यादव जहर खा लेगा। मांगो ना सरकार को, इस पर दबाओ ना। इसके लिए पार्लियामेंट में कहा तुम्हारी जीव में ताकत है, क्योंकि तुम वेस्टेड इंटरेस्ट हो, तुम निहित स्वार्थी हो। ये 3 फार्मूला शहर लागू कर दो, खेती नौकरी और व्यापार एक आदमी एक रोजगार। जिसको खेती है व्यापार है उसको कोई नौकरी नहीं देंगे सरकार की, चाहे वो आईएएस की नौकरी हो और चाहे चपरासी की नौकरी हो। किसको देंगे? जिसके पास में खेती नौकरी और व्यापार, जिसके पास में न खेती है और न व्यापार है, जो बिल्कुल बेरोजगार है उसको प्रायोरिटी दो। नहीं, पर इसमें आपने ये कहा, ऐसा कहना चाह रहे हैं किसानी में भी आरक्षण जैसा कुछ आएगा कि किसान की 4 वो होंगी, एक के पास तो खेती और व्यापार है, एक के पास सिर्फ खेती है, मतलब हम इस तरह की बात करें, इस तरह से पॉलिसीज बनाएं? नहीं, फिर आरक्षण इस बात से? आरक्षण शब्द हमारा नहीं है, मैं आरक्षण का विरोधी हूँ। हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे सिर्फ उसको? हाँ ना, मैं आरक्षण का विरोधी हूँ शब्द का। जी, हमारे समाजवादी नेता डॉक्टर लोहिया कहते थे विशेष अवसर, स्पेशल अपॉर्चुनिटी, विशेष अवसर। विशेष अवसर मैंने कि घर में कोई बीमार है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसको दूध दो, फल दो, अंडा दो, लेकिन जब वो स्वस्थ हो जाता है और तब भी वो घर में परिवार के सबको कहे कि मुझको वही खाना देते रहो तो डॉक्टर लोहिया कहते थे नहीं, तब उसकी क्रूरता है, अमानवीयता है। वो स्वस्थ हो गया तो जाओ, कोई बीमार है उसको फिर बीमार वाला खाना खिलाओ। इसका मतलब आरक्षण के अंदर भी जो आदमी आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से सबल होते जाए उनको बाहर करते जाओ, और जो नीचे छूटा हुआ है उनको विशेष अवसर, स्पेशल अपॉर्चुनिटी, तो स्पेशल अपॉर्चुनिटी देके उनको ऊपर लाते जाओ। और जब वो स्पेशल राइट वाले बन जाते हैं, आरक्षण स्पेशल राइट, स्पेशल माने विशेषाधिकार, तो जन्म के आधार पर विशेषाधिकार था कुछ जातियों को, और अर्थ के आधार पर विशेषाधिकार है कुछ पूंजीपतियों को, और आरक्षण के आधार पर विशेषाधिकार है कुछ आरक्षणवादियों को, तो बाकी जो लोग छूट जाते हैं, जिनको कहते हैं छूटे हुए लोग, जी, तो स्पेशल अपॉर्चुनिटी माने विशेष अवसर, विशेषाधिकार बनाम विशेष अवसर,
कि विशेषाधिकार को मिटाते चलो और विशेष अवसर वाले को आगे बढ़ाते चलो, लंबे समय के बाद ये बराबरी में लाने का प्रयास करो, लेकिन संपूर्ण समता की बात करना पाखंड है। टोटल इक्वालिटी जिसको कहते हो, कहेगा को लोग, वो पाखंड है। कभी भगवान भी नहीं, ईश्वर भी नहीं पूर्ण बराबरी की कर पाए। हाँ, उसको कहते हैं, डॉक्टर लोहिया ने कहा था, संभव बराबरी। संभव, संभव, हम गैप को मिटाते जाएंगे। कैसे मिटाएंगे? तो उसके लिए प्रयत्न करेंगे। तो हमने वो प्रयत्न, एक हमारा उस समय था कि 100 से कम न 1000 से ज़्यादा, समाजवाद का यही तकाजा कि एक नीति निर्धारित करो कि इस कंपनी में है तो इस कंपनी के डायरेक्टर को अगर 1000 रुपया मिलेगा तो इस कंपनी के पीन को 100 रुपया मिलेगा। ये नीति बनाओ, भाई चांसलर को 1000 रुपया तो चपरासी को 100 रुपया, कि सब 100 से कम न 1000 से ज़्यादा। तो ये नीति, देखो मैं नीति की बात कर रहा हूँ। अब आप कहोगे कि कोई ये नहीं, क्या नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सब है नीति। करने की बात, करने की बात किसको है? कर सकता है देश में पार्लियामेंट, या कर सकती है जुडिशरी। तो जुडिशरी है, उसके जो सोशल कैरेक्टर हैं, आर्थिक और सामाजिक चरित्र है, वो फ्यूडलिस्ट है, वो सामंतवादी चरित्र है, परिवारवादी चरित्र है, तो उसे संभव नहीं है। तब कर सकता है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट करे तब जब पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के सदस्य की इच्छा शक्ति हो, तब विल पावर। और सामूहिक इच्छा, केवल किसी व्यक्ति की नहीं, सामूहिक इच्छा, सामूहिक इच्छा। आरक्षण पे जो अभी आपने बोला, तो अब फिर एक सवाल आ जाएगा कि तो महिला आरक्षण पर आपका क्या कहना है? देखो, हाँ, फिर मैं आरक्षण की बात किया ना, हाँ, तो जब महिला आरक्षण की बात आएगी, तो हम जिस समय थे उस समय हम जब आरक्षण की बात करते थे ना कि डॉक्टर लोहिया बांधे गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, और उस पिछड़ा में, पिछड़ा केवल एक एक समूह था, पिछड़ा में पांच थे, कौन कौन? अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, महिला ऑन दी होल, और धार्मिक अल्पसंख्यक में पिछड़ा, मुसलमान में, जिसको आजकल पसमंदा मुसलमान कहते हैं वो। तो हमारे ये पांच थे, आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, महिला ऑन दी होल, और उसके बाद धार्मिक अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक का पिछड़ा, सरदार में भी है हरिजन और पिछड़ा, ओ इन सब को मिला करके ग्रुप बना के कहते थे संसोपाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। तब 100 में 60 क्यों? तो लोकतंत्र में 51 का राज है ना, 51, और हम इनको कहते हैं 60। तो पूर्ण बहुमत दिया ना, आ जब पूर्ण बहुमत होगा तो अपनी मर्जी से कानून बना लेगा, 60 को 80 कर लेगा, 60 को 90 कर ले। लेकिन इनको पूर्ण बहुमत कहाँ? सभी चीज में, सब जगह, सरकारी नौकरी, राजनीति, व्यापार और पलटन, इन चारों क्षेत्रों में ये नीति लागू हो, इतनी व्यापकता से बात करते थे। लेकिन हो कब? हो कब? जब पॉलिटिकल सिस्टम जो है, सिस्टम, मैं व्यक्ति की बात नहीं करता, पॉलिटिकल सिस्टम का रिफॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, रिफॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, रिफॉर्म ऑफ जुडिशियल सिस्टम, रिफॉर्म ऑफ सोशल सिस्टम, ये समाज, समाज का रूपांतरण हो, न्यायपालिका का रूपांतरण हो, कार्यपालिका का रूपांतरण हो, और विधायिका का रूपांतरण हो, ये चारों के रूपांतरण करने के लिए दो ही रास्ता है, दो ही रास्ता है। एक तो चीन और रूस वाला रास्ता है, कत्ल करो, और दूसरा रास्ता है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाओ, कानून बनाओ, कानून बना के करो। तो पार्लियामेंट के अंदर कानून बनेगा कब? जब ये सभी की सहमति होगी तब। नहीं तो पार्लियामेंट कानून बनेगा और सुप्रीम कहेगा कि नहीं, ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब उसके आगे कोई है अपील? अपील तो कुछ नहीं है। तब मान लो
मान लो जब यहाँ आके बात अटक गई है तो यहाँ से रास्ता कौन निकालेगा। तो लोकतंत्र में जब कहीं अवरोध पैदा हो जाए, लोकतंत्र में कहीं गतिरोध पैदा हो जाए, लोकतंत्र में कहीं स्पीड ब्रेकर आ जाए, तो उसको तोड़ने के लिए अंतिम पावर है जनता को, जनता को, कि जनता अपने विल पावर से ऐसी सरकार और सत्ता को पावर में लाए जो पूरी ताकत के साथ इस ओर कदम उठाए। और उस रास्ते में अगर जुडिशरी भी बाधक हो तो रास्ता निकाले। क्या है, सर्वोच्च न्यायालय देश के लिए है कि देश सर्वोच्च न्यायालय के लिए है? ये जज साहब हमारे लिए हैं कि हम जज साहब के लिए हैं? 135 करोड़ लोग वो हमारे लिए हैं, मेरे लिए हैं? तो ये जहां पर जिसको कहते हैं एक वैधानिक क्रांति और एक है खूनी क्रांति, खूनी क्रांति से परिवर्तन करने वाले हुए फिर बैताल डाल पर कहीं ना कहीं फिर वही व्यक्ति की तानाशाही आ गई। पुतिन होंगे तो आजीवन बनेंगे और वो चिनफिंग होंगे तो आजीवन रहेंगे। तो ये जो तानाशाही एक है डेमोक्रेसी, तो लोकतंत्र बनाम समता बराबरी, ये जो हमारा सिद्धांत जो गांधी ने दिया था हमारा आधार है, उसको कैसे लागू होगा? तो लागू होगा करने वाले विल पावर के साथ करें और जनमत का समर्थन। डॉक्टर लोहिया ने 1952 में किताब लिखी है जो मैं लेख में लिखा था, कोट किया था, कि लोहिया ने लिखा था, ऐसे समाजवादियों को कहा था, समाजवादियों ऐसा समय भी आएगा जब कोई ऐसी पार्टी आएगी जिसके खिलाफ सारी पार्टियां एक तरफ हो जाएगी, वैसे समय में वह पार्टी दृढ़ता के साथ अकेले खड़ी रहे और उन सभी का मुकाबला करे, तो उसी समय भारत के लोगों के शक्ति का चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेगा। ये डॉक्टर लोहिया ने सपना देखा, चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेगा, लेकिन उस दल को और उस नेता को भी उतने विल पावर होनी चाहिए कि नहीं, सब खिलाफ हो तो हम अकेले हैं, अपनी राह पर चलेंगे, या तो बदलेंगे या नहीं तो मिटेंगे। नमस्कार, किसान तक के विशेष प्रोग्राम किसान तक न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है। मैं मनोज भट्ट, आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि मौजूद हैं। गांव से संसद तक का सफ़र आपने तय किया है, ग्राम प्रधान से केंद्रीय मंत्री तक का सफ़र आपने तय किया है, देश के एक सशक्त किसान नेता के तौर पर आपकी पहचान है, तो चुटीले अंदाज में गंभीर बातें कहने के लिए देश आपको पहचानता है। मैं बात कर रहा हूँ देश के वरिष्ठ किसान नेता, भाजपा के वरिष्ठ किसान नेता, दो बार भारतीय जनता पार्टी की किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुकुम नारायण देव यादव जी की बहुत बहुत स्वागत है हुकुम जी आपका। धन्यवाद, आप सबों का भी स्वागत है। इसी के साथ इस कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल हम संपादक जी से लेते हैं। हम आज़ाद भारत में जो खेती है उस पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के जीतने के बाद आपका एक भाषण बहुत लोकप्रिय हुआ था, आज की भाषा में कहा जाए तो वायरल हुआ था, उसमें आपने एक दो चीज़ें बोली थी। एक तो इंडिया और हिंदुस्तान के बारे में आपने बोला था, साथ में आपने एक इंडिया गेट पे अपना एक किस्सा सुनाया था कि आपने एक कुत्ते को देखा जो बड़ी सी गाड़ी में बैठा था। अब लगभग 10 साल पूरे होने वाले हैं मोदी कार्यकाल के, इन 10 साल में आपको वो जो फ़र्क है इंडिया और हिंदुस्तान का, वो थोड़ा सिमटता हुआ दिखाई दिया है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, वो जो कुत्ते की ज़िंदगी है उसके मुकाबले जो आपने गांव खेती और उनके लिए बात की थी, उनकी ज़िंदगी थोड़ा सा और ऊपर आती हुई दिखी है। अगर दिखी है तो कितना दिखी है और कितना काम करना अभी बाकी है? देखिए, आपको धन्यवाद। मैं गाँव में पला बढ़ा, अपने हाथ से हल चलाया, कुदाल चलाया, गाय भैंस को सानी पानी खिलाया, दूध निकाला, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ
कि जब मेरा बचपन था, उस बचपन में किस समय में, उस समय 1939 में मेरा जन्म है और 1942 में क्रांति में मेरे पिताजी और मेरे 8 चाचा, 4 चचेरा भाई और गांव के 2 बढ़ई, 2 निषाद, ये इतने लोग रेल पुल तोड़ करके जेल गए थे। 4-4 साल की सजा हुई थी। तो अंग्रेजी राज के उस जुल्म को भी देखा था। उस समय मैं 3 साल का था। तो मैं कह सकता हूँ कि 1940 का जो दशक है, उससे पहले और, तो अगर मुझे ही आँख में पट्टी बांध दी जाती उस समय और आज अगर दिल्ली में लाके खड़ा किया जाता, चाहे गांव के, मेरे ही गांव के चौराहे पर, तो मैं ये कह सकता था कि मैं कहाँ चला आया, मैं नरक में से ये स्वर्ग में की यात्रा तक कैसे हो गई। तो आप ही समझिए कि कितना रूपांतरण हुआ है। मैं अपनी ज़िंदगी में उस रूपांतरण को देखा हूँ। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जब बाढ़ के समय में घुटने भर पानी में खड़े खड़े महिलाएं भी सोच करती थी, और जब रात में निकलती थी तो टिपटिप पानी बरसे, इतने कीचड़ से जाके आवे, पैर के कीचड़ को धोने के लिए पानी नहीं रहता था, तो उसको ऐसे पोछ के और कीचड़ के साथ ही लेट जाती थी चटाई पर। पैर का कीचड़ गांव के लोगों को अपने आप सूख के झड़ जाता था। मिट्टी की ढिबरी वाली दीप जलाते थे और उसको जला के रात में सोते थे। सवेरे हम 6 भाई बहन थे, तो सब बच्चे सब उठते थे, चचेरे भाई भी सब थे, बहन थी, तो उठते थे, नाक में उंगली ले के ऐसे देखते थे कि किसकी उंगली में कितना काला है। तो मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड से तो तुम मरते हो और हम तो बचपन में जितना कार्बन डाइऑक्साइड पचा चुके हैं, तो अब मुझ पर क्या असर करेगा। तो हम तो उस जिंदगी से निकल के इस जिंदगी में आए कि आज एक लालटेन घर में संपन्न किसान को रहता था, उसी लालटेन से घूम के सब काम करते थे, बच्चे पढ़ते भी थे, गाय भैंस का दूध निकालना हो तो लालटेन लेके दूध निकाल आते थे, तब तक बच्चे बैठे रहते थे, फिर लालटेन आवे फिर। और आज के भारत में, उसी बिहार में मैं अपने गांव को देखता हूं, तो गरीब के हर कमरे में जब 24 घंटा ये बल्ब की रोशनी को देखता हूं और उनके बच्चे सब किताब लेके पढ़ते रहते हैं और वो अपने मोबाइल को चार्जर में लगा के जब वो चार्ज कर लिया, और जब कहीं जाते हैं रिश्तेदारी में तो एक तरफ अपने खाने के लिए बैठते हैं, दूसरे तरफ मोबाइल को चार्जर में लगा देते हैं, अपना पेट भी भर लेते हैं, मोबाइल का पेट भी भर देते हैं। ये है दृष्टिकोण देखने का। कभी इस पर चिंतन लोग नहीं करते हैं कि अगर गांव हिंदुस्तान में हर घर ये बिजली की रोशनी नहीं गई होती, तो ये 2-3 साल कोरोना के पीरियड में हिंदुस्तान के गांव में बसने वाले लोग हैं और गरीब के जो बच्चे हैं, वो सब 3 साल पढ़ाई में पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास करते कहाँ से करते। लेकिन ये बिजली तो उनके घर घर चली गई थी, तो किसी के पढ़ाई नहीं रुके, सब ये मोबाइल पर ही सही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे। और मैं जब दिल्ली से फ़ोन करके हालचाल पूछता था तो बहुत साथी को कहता था, भाई सवेर से हम मोबाइल किए, 3-4 बार लगाए, कहाँ मोबाइल है। तो कहे कि सर 12 बजे तक मोबाइल जो है से पोती पोता बेटा रख ले रहे है, बेटी वगैरह सबके पढ़ाई हुई है, या 12-1 बजे के बाद मोबाइल हम लो ले छे आ तब तो कुकरा रही है। ये है अनुभूति। अगर उन बच्चों के 3 साल उनका बचपन अगर पीछे चला जाता, तो कभी इस दृष्टि से देखिए कि
अगर किसी बच्चे की जिंदगी, जवान की जिंदगी 3 साल पीछे चला जाए तो पूरा हिंदुस्तान 3 साल पीछे चला जाएगा। और जब पूरा देश 3 साल पीछे चला जाएगा तो हिंदुस्तान का संपूर्ण विकास और संपूर्ण 3 साल पीछे चला जाएगा। तो देश आगे बढ़ेगा कि पीछे बढ़ेगा? देश की अर्थव्यवस्था आगे हटेगी कि पीछे जाएगी? लेकिन नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया कि हर घर तक बिजली पहुंचा देना है, और हर घर तक बिजली पहुंच गई तो हिंदुस्तान की अर्थनीति हो, किसान जिस क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र जो 3 साल पीछे चला जाता वो 3 साल पीछे नहीं गया, बल्कि उस 3 साल के अंदर ऑनलाइन घर में बैठ करके लोगों ने जो काम करने का सीखा, जिसको कहते हैं कल्चर, संस्कृति, घर बैठे, तो घर बैठे काम करने का किया। क्यों किया? क्योंकि उनको घर बैठ करके काम करने की बिजली की सुविधा थी। आपने कहा, एक आपने अंतर बताया कि ये अंतर आया है, इस तरह के अंतर आए हैं, परंतु मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो शहर और गांव का वो अंतर बहुत बड़ा है, अंतर ये बड़ा है, क्या किसी, यदि शहर में हम बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसकी खुली छूट है कि वो अपने व्यवसाय को बहुत आगे बढ़ा ले, परंतु वहीं पर मैं देख रहा हूँ कि किसानों की का जो अवसर है खेती में, चाहे उसके कृषि उपज हो, चाहे दूध हो, चाहे जो भी चीज़ें हैं, उनको यदि बढ़ाने का जब अवसर मिलता है तो उस पर चाबुक चल जाता है, या जैसे भी चाबुक चले सरकार की तरफ से चले कि नहीं, ये तुम्हारी यही स्तर है, यहीं तक अपने दाम बढ़ाओ, तुमको बढ़ने के आगे का अवसर नहीं मिल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको भी और हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को कहूँगा, मैं बराबर बोलते रहा हूँ सब जगह, कि विश्वविद्यालय में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके भी अपनी दृष्टि और शोध की दृष्टि बदलनी पड़ेगी। 1956 में डॉक्टर लोहिया ने मैनकाइंड में लेख लिखा था, उसमें लिखा था कि हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर पढ़ाई को बदलो, केवल व्याख्या तक ही मत रखो, अनुसंधान और व्याख्या में मत उलझे रहो, विश्लेषण भी करो। तो भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि जितनी भी क्षेत्र में काम करने वाले हैं वे अनुसंधान किए, व्याख्या किए, लेकिन विश्लेषण नहीं किए। विश्लेषण का मतलब बहुआयामी, बहुआयामी, चाहे कृषि हो, शिक्षा हो, उद्योग हो, राजनीति हो, व्यापार हो, ये सभी की समग्रता में समेकित विश्लेषण, विश्लेषण संतुलित। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो उस समय समाजवादी थे, दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान के एक वर्ग के लोगों ने समाज, उनको समाजवाद शब्द से ही घृणा है, वो समाजवाद का मतलब समझते हैं कम्युनिज्म, लेकिन कम्युनिज्म और सोशलिज्म दोनों आकाश पाताल का अंतर है। और नहीं पढ़े हैं जो लोग तो पढ़े डॉक्टर लोहिया की मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म एंड इकोनॉमिक्स आफ्टर मार्क्स, पढ़ ले तो उनको पता लगेगा कि 49-50 के दशक में आज़ादी के आंदोलन के समय से ही जो ये दर्शन डॉक्टर लोहिया लिख रहे थे वो कितनी दूर तक की कल्पना किए थे। तो हमने उसको नहीं देखा उस पर। आप किसान की बात कहते हैं तो एक ही केवल वही नहीं है विषमता, गांव और शहर की विषमता है, उद्योग और कृषि की विषमता है, नौकरी, नौकरी, नौकरी करने वाले और खेती करने वाले की भी विषमता है, जाति के आधार पर भी विषमता है, जन्म के आधार पर भी विषमता है, लिंग के आधार पर भी विषमता है, रंग के आधार पर भी विषमता है, और तकनीकी विषमता भी है। तो ये जो तकनीकी विषमता के कारण जो शोषण होता है, जिसको डॉक्टर लोहिया उस समय उठाते थे, अब कहा था उन्होंने अमेरिका एक मिनट में जितना सामान बनाता है उसी को रूस 6 मिनट में बनाता है, चीन 9 मिनट में बनाता है, भारत 13 मिनट में बनाता है। और जब हम रुपए के आधार पर लेन देन पर समझौता व्यापार करते हैं तो अमेरिका का 1 मिनट लेते हैं और अपना 13 मिनट देते हैं। यह एक्सप्लाइटेशन है, इसको बंद करो, इसको बदलो, बदलो।
टाइम के आधार पर, समय के आधार पर व्यापार, व्यापार का विनिमय समय के आधार पर हो। तो उस समय कहते तो अपनी तकनीक को बदलो। तकनीक माने कि तुम जो यूरोप के अंदर से जो तकनीक लेते हो, मशीन लेते हो, तो तुम उनके मशीन लेते हो लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं लेते हो। अगर हमको कोई अपने मशीन के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी दे तब तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तुम गुलाम के जैसे क्यों लेते हो? और जब हम उनकी उनको टेक्नोलॉजी लेंगे तो उस टेक्नोलॉजी का जो नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को इस बार लोक ये लाल किला से कहा, 1 घंटा 45 मिनट के भाषण में केवल 6 शब्द हैं महत्वपूर्ण, निचोड़, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। ये देश को करना है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और संतुष्टिकरण से लड़ना है। ये तीन बुराई को हटाओ और 3 अच्छाई को ग्रहण करो। तो जो रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, तो उसी समय समाजवादी होने के नाते डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में हम लोग चलते थे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सभी क्षेत्रों में, सभी समग्र क्षेत्रों में रूपांतरण, आजाद भारत का रूपांतरण होना चाहिए। लेकिन करता कौन? फिर आप कहेंगे कि कहने वाले तो कहे, गांधी ने कहा, लोहिया ने कहा, करता कौन? तो यहीं पर आता है जो राज चलाने वाले होते हैं उनका विल टू पावर। डॉक्टर लोहिया की किताब है उस समय जो, उसका नाम ही है विल टू पावर, इच्छा शक्ति, कि हमको ऐसा करना है, या तो हम करेंगे नहीं तो मरेंगे, या तो करके जाएंगे और नहीं तो करते करते मर के जाएंगे, लेकिन हम करके जाएंगे। ये जो डिटर्मिनेशन है विल टू पावर जो अभी नरेंद्र मोदी में है, अगर यही विल टू पावर और डिटर्मिनेशन वाला प्रारंभिक समय ही भारत का कोई नेतृत्व प्रदेशों में और केंद्र में आया होता तो आज भारत जहाँ खड़ा है, भारत विश्व के सबसे शीर्ष स्थान पर खड़ा होता, तो इन विसंगतियों को मिटाने का प्रयास करना चाहिए, जो विसंगति है समाज के अंदर, और जहाँ जहाँ विसंगति है उनको कैसे मिटे उसके लिए समय लगेगा। और हम समाजवादी थे, डॉक्टर लोहिया ने हम लोगों को कहा था, अरे 5,000 साल के रोग को कोई 25-50 बरस में इलाज नहीं कर सकते हो, धीरज रखो, तुम अपनी दृष्टि सही रखो, दिशा सही रखो, संकल्प सही रखो, और तुम अपने इस परिवर्तन के काम में निरंतर लगे रहो। तुम अपना भी परिवर्तन करो, समाज का भी परिवर्तन करो, राष्ट्र का भी परिवर्तन करो, अपनी नीतियों को भी परिवर्तित करते रहो, तब कहीं जाके 200-400 साल में जाकर के इस परिवर्तन का पूरा रूप दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये 5,000 बरस का कोर है। एक हालिया विसंगति है, मैं उस विसंगति की तरफ जाऊंगा। आपने ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी और हम जिसकी मैं जिस सवाल पूछ रहा हूँ, विसंगति आज़ादी के बाद बहुत तेज हुई है। 21वीं सदी में हम आधुनिक भारत की परिकल्पना कर रहे हैं और किसान अभी भी लाभकारी मूल्य मांग रहे हैं। आज़ादी के बाद देखा कि किसान को उनकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पाता है। तो ये समस्या जो आधुनिक भारत की समस्या है, एक समय तक जो सिस्टम था वो किसान मुख्य फसल बेचकर ही, फसल के बेस पर ही सारा व्यापार कर लेते थे, लेकिन अब फसल गौण हो गई है, रुपया शीर्ष हो गया है और किसानों को भी उनकी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो आज़ाद भारत की जो सबसे बड़ी समस्या अगर मैं समझता हूँ तो यह है कि किसान अपनी ही फसल का वाजिब दाम मांग रहा है, तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इस समस्या का समाधान कैसे है? देखिए, आप लोगों ने उस राज को नहीं देखा है जब किसानों को लेवी लगती थी और हमको, हम उस समय पीड़ित थे, हमारे पिताजी साधारण किसान थे, लीडर को खुशामद करने जाते थे, सरकार के तरफ से लेवी लग जाती थी किसान को, उपज हो या नहीं हो खेत में, लेकिन लेवी लगती थी। तो इनको 50-25 क्विंटल आपको धान देना है, आपको 50 क्विंटल देना है जमीन के हिसाब से। और हम लोगों की जमीन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थी, कभी कभी अपने खाने के लिए भी अनाज नहीं पैदा हो, 3 महीना तक पानी में डूबा रह जाए, ऊपर से लेवी आ जाए कि आपको, मेरे पिताजी के उस समय गांव के अपनी बीघा के हिसाब से 100 बीघा जमीन थी, जिसको कहिए 60-70 एकड़ थे दोनों, दो भाई में,
तो खेत में गेहूँ ये धान पैदा हुआ था एक साल कुल 30 मन, अब 30 मन धान में साल भर अपने खाओ, परिवार को खिलाओ कि मजदूरी कराओ, और ऊपर से ले भी लग गई थी 10 मन, नहीं दो तो मुकदमा होगा। उस युग को भी हमने देखा है, जो नहीं देखा है उस युग को उनको नहीं पता है। नहीं, हम लोग तो आज आज़ाद भारत में ना, अपना एक लोकतंत्र है। देखिए आज़ाद भारत में है, मैं आज़ाद भारत की बात कर रहा हूँ, जब किसान को ले भी लगी थी, आज़ाद भारत की बात कर रहा हूँ, जब हिंदुस्तान के लोग अमेरिका का पीएल 480 का सरा हुआ गेहूं खाते थे, ज्वार खाते थे, पर संपन्न लोग लाइन लगाने जाते थे, मैं उस समय 60 में ग्राम पंचायत का प्रधान था, अच्छे अच्छे लोग आ जाते थे, चुपचाप कान में कहते थे मुखिया जी ध्यान रखबे हम लोग सब के चूल्हा बंद है, लेकिन वो लाइन में नहीं लग सकते थे इज्जत के कारण, ऐसे ऐसे लोगों को चुपचाप नज़र में रखते थे और उनको कहते थे कि अपना बोरा चाहे गठरी वाला रख दीजिए उधर, और रात में वो डीलर को कहते थे कि इस सब में इनके 10 किलो 15 किलो के हिसाब से बांध दो और अपने आदमी के मार्फत उनके घर पर चुपचाप पहुँचाओ। उस भारत को भी हमने देखा है, भोगा है। जब देश आज़ाद हुआ था तो जनसंख्या 35 करोड़ और जमीन 13 मिलियन हेक्टेयर और उत्पादन होता था 50 मिलियन टन, जमीन 13 करोड़ मिलियन हेक्टेयर उत्पादन 50 मिलियन टन, जनसंख्या 35 करोड़। आज वही भारत है जो जनसंख्या 135 करोड़, जमीन 13 से घट के 11, खेती के काम विकास में चले गए और उत्पादन हो रहा है आज 200 मिलियन टन। कैसे हुआ साहब, कैसे हुआ? इसलिए किसान के अंदर जो MSP है, समर्थन मूल्य, बाद में आया है समर्थन मूल्य का मतलब क्या, उसमें फिर आया, हम ही लोग लड़ते थे चौधरी चरण सिंह के समय में समाजवादी किसान सभा में डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में कि नहीं लाभकारी मूल्य, समर्थन मूल्य लाभकारी मूल्य, तो स्वामीनाथन की कमेटी ने लाभकारी मूल्य की बात की है, समर्थन मूल्य का नहीं, एक अपनी जगह सही है, लेकिन कभी इस बात को हिंदुस्तान के किसी किसान ने, जो किसान के नाम पर, एक है किसान के नाम पर नेतागिरी करना, एक है किसान के लिए नेतागिरी करना, एक है किसान के द्वारा नेतागिरी करना, ये तीनों में फर्क है, फर्क है। तो जब हम सोचेंगे तो कभी हमने ये सोचा कि हिंदुस्तान के अंदर जो ये मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स 86.07% है, मतलब 2 हेक्टेयर से कम जमीन जोतने वाले 86% लोग हैं और 1 हेक्टेयर से कम जमीन जोतने वाले लोग 68% हैं। तो जो 68% किसान सीमांत किसान है, भूमिहीन के बराबर हैं, अपने खेत में खेती करते हैं और पार्ट टाइम में जाके मजदूरी करते हैं, दोनों है, किसान है और मजदूर साथ साथ हैं, और ऐसे किसान जो ये 67% जो किसान है, अब इनकी अभिसंगति बिहार में 96.96, मतलब 97% हैं ये, गौर करिएगा, और हरियाणा में 68.57% है और पंजाब में 33.11% है। तो कहाँ ये मार्जिनल किसान बिहार में 97 और कहाँ पंजाब में है 33, क्या दोनों के लिए समान नीति बन सकती है क्या? जो कहते हैं वो अवैज्ञानिकता की बात करेंगे, दोनों की समान नीति नहीं बनेगी। दूसरा है, एक किसान है जिसके खेती के अलावे उसके घर में नौकरी भी है, दूसरा किसान है जिसके घर में खेती के अलावे नौकरी और व्यापार दोनों है, तीसरा किसान है जिसके घर में खेती नौकरी व्यापार और राजनीति तीनों है, और एक किसान है जिसके घर में खेती के अलावे दूसरा आय का कोई जरिया नहीं है।
तो जब किसान की बात हम करेंगे तो किसको पहले उठावेंगे, हम किसके लिए पहले बात करेंगे? ईमानदारी है, अगर देश के अंदर हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना है तो हम सबसे पहले जो हिंदुस्तान के ये जो 86% जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी बात करेंगे, उनके खेती में अच्छी खेती हो, उनके टेक्नोलॉजी उन्हीं के अनुसार हो, उनको समय से पानी मिले, उनके फसल की खरीदी हो, और जिसके घर में खेती नौकरी और व्यापार ये तीनों है रोजगार, और वही अगर कहें कि पहले मेरी सुविधा दो उनकी बात मत करो, और उसी के पीछे लोग पागल होकर दौड़ने लगे क्योंकि उनके उनको जात का समर्थन है, किसान स्वयं भी अपने भी तो सोचे। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि दिया है, किसके लिए है? वो जो जिसके पास में खेती के अलावे जिसके पास में कोई दूसरा आय का जरिया नहीं है, ऐसे किसान को 6,000 रुपया साल में देंगे सपोर्ट, ये मान के चलेंगे 6,000 रुपया साल में देने का मतलब उनके पास में अगर एक हेक्टेयर जमीन है तो एक हेक्टेयर पर 6,000 हुआ साल का कंपनसेशन, ऐसे समझिए। एक हेक्टेयर जमीन वाले किसान को साल में 6,000 उनको मिला कंपनसेशन सपोर्ट, जिसको कहिए लाइफ सपोर्ट। और अब ये जो बाकी किसान वो भी उसी किसान के जैसे लेना चाहेंगे। फिर इसको ऐसे आइए, आखिरी में मैं कंक्लूड कर देता हूँ। डॉक्टर लोहिया के समय में हम लोग नारा लगाते थे, खेती नौकरी और व्यापार एक आदमी एक रोजगार, एक रोजगार। आप कहोगे कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं करते, नरेंद्र मोदी को कहिए ना पार्लियामेंट में सभी एमपी को, आप अपने एमपी को कहिए कि तुम नारा लगाओ खेती नौकरी और व्यापार एक आदमी एक रोजगार, और नरेंद्र मोदी 10 बजे तुम नारा लगाओ, और 4 बजे तक अगर नरेंद्र मोदी नोटिफिकेशन नहीं कर दे तो हुकुम देव नारायण यादव जहर खा लेगा। मांगो ना सरकार को, इस पर दबाओ ना। इसके लिए पार्लियामेंट में कहा तुम्हारी जीव में ताकत है, क्योंकि तुम वेस्टेड इंटरेस्ट हो, तुम निहित स्वार्थी हो। ये तीन फार्मूला शहर लागू कर दो, खेती नौकरी और व्यापार एक आदमी एक रोजगार। जिसको खेती है व्यापार है उसको कोई नौकरी नहीं देंगे सरकार की, चाहे वो आईएएस की नौकरी हो और चाहे चपरासी की नौकरी हो। किसको देंगे? जिसके पास में खेती नौकरी और व्यापार, जिसके पास में न खेती है और न व्यापार है, जो बिल्कुल बेरोजगार है उसको प्रायोरिटी दो। नहीं, पर इसमें आपने ये कहा, ऐसा कहना चाह रहे हैं किसानी में भी आरक्षण जैसा कुछ आएगा कि किसान की चार वो होंगी, एक के पास तो खेती और व्यापार है, एक के पास सिर्फ खेती है, मतलब हम इस तरह की बात करें, इस तरह से पॉलिसीज बनाएं? नहीं, फिर आरक्षण शब्द हमारा नहीं है, मैं आरक्षण का विरोधी हूँ। हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे सिर्फ उसको? हाँ ना, मैं आरक्षण का विरोधी हूँ शब्द का। जी, हमारे समाजवादी नेता डॉक्टर लोहिया कहते थे विशेष अवसर, स्पेशल अपॉर्चुनिटी, विशेष अवसर। विशेष अवसर मैंने कि घर में कोई बीमार है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसको दूध दो, फल दो, अंडा दो, लेकिन जब वो स्वस्थ हो जाता है तब भी वो घर में परिवार के सबको कहे कि मुझको वही खाना देते रहो तो डॉक्टर लोहिया कहते थे नहीं, तब उसकी क्रूरता है, अमानवीयता है। वो स्वस्थ हो गया तो जाओ, कोई बीमार है उसको फिर बीमार वाला खाना खिलाओ। इसका मतलब आरक्षण के अंदर भी जो आदमी आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से सबल होते जाए उनको बाहर करते जाओ, और जो नीचे छूटा हुआ है उनको विशेष अवसर, स्पेशल अपॉर्चुनिटी, तो स्पेशल अपॉर्चुनिटी देके उनको ऊपर लाते जाओ। और जब वो स्पेशल राइट वाले बन जाते हैं, आरक्षण स्पेशल राइट, स्पेशल माने विशेषाधिकार, तो जन्म के आधार पर विशेषाधिकार था कुछ जातियों को, और अर्थ के आधार पर विशेषाधिकार है कुछ पूंजीपतियों को, और आरक्षण के आधार पर विशेषाधिकार है कुछ आरक्षणवादियों को। तो बाकी जो लोग छूट जाते हैं, जिनको कहते हैं छूटे हुए लोग, जी, तो स्पेशल अपॉर्चुनिटी माने विशेष अवसर, विशेषाधिकार बनाम विशेष अवसर,
कि विशेषाधिकार को मिटाते चलो और विशेष अवसर वाले को आगे बढ़ाते चलो, लंबे समय के बाद ये बराबरी में लाने का प्रयास करो, लेकिन संपूर्ण समता की बात करना पाखंड है। टोटल इक्वालिटी जिसको कहते हो कहेगा को लोग, वो पाखंड है। कभी भगवान भी नहीं, ईश्वर भी नहीं पूर्ण बराबरी की कर पाए। हाँ, उसको कहते हैं, डॉक्टर लोहिया ने कहा था, संभव बराबरी। संभव, संभव, हम गैप को मिटाते जाएंगे। कैसे मिटाएंगे? तो उसके लिए प्रयत्न करेंगे। तो हमने वो प्रयत्न, एक हमारा उस समय था कि 100 से कम न 1000 से ज़्यादा, समाजवाद का यही तकाजा कि एक नीति निर्धारित करो कि इस कंपनी में है तो इस कंपनी के डायरेक्टर को अगर 1000 रुपया मिलेगा तो इस कंपनी के पीन को 100 रुपया मिलेगा। ये नीति बनाओ, वाइस चांसलर को 1000 रुपया तो चपरासी को 100 रुपया, कि सब 100 से कम न 1000 से ज़्यादा। तो ये नीति, देखो मैं नीति की बात कर रहा हूँ। अब आप कहोगे कि कोई ये नहीं किया, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कर रहे, उन्हें ये सब है नीति। करने की बात, करने की बात किसको है? कर सकता है देश में पार्लियामेंट, या कर सकती है जुडिशरी। तो जुडिशरी है, उसके जो सोशल कैरेक्टर हैं, आर्थिक और सामाजिक चरित्र है, वो फ्यूडलिस्ट है, वो सामंतवादी चरित्र है, परिवारवादी चरित्र है, तो उसे संभव नहीं है। तब कर सकता है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट करे तब जब पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के सदस्य की इच्छा शक्ति हो, तब विल पावर। और सामूहिक इच्छा, केवल किसी व्यक्ति की नहीं, सामूहिक इच्छा, सामूहिक इच्छा। आरक्षण पे जो अभी आपने बोला, तो अब फिर एक सवाल आ जाएगा कि तो महिला आरक्षण पर आपका क्या कहना है? देखो, हाँ, फिर मैं आरक्षण की बात किया ना, हाँ, तो जब महिला आरक्षण की बात आएगी, तो हम जिस समय थे उस समय हम जब आरक्षण की बात करते थे ना कि डॉक्टर लोहिया बांधे गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, और उस पिछड़ा में, पिछड़ा केवल एक एक समूह था, पिछड़ा में 5-5 थे, कौन कौन? अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, महिला ऑन दी होल, और धार्मिक अल्पसंख्यक में पिछड़ा, मुसलमान में, जिसको आजकल पसमंदा मुसलमान कहते हैं, वो तो हमारे ये 5 थे। आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, महिला ऑन दी होल, और उसके बाद धार्मिक अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक का पिछड़ा, सरदार में भी है हरिजन और पिछड़ा, ओ इन सब को मिला करके ग्रुप बना के कहते थे, संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। तब 100 में 60 क्यों? तो लोकतंत्र में 51 का राज है ना, 51, और हम इनको कहते हैं 60। तो पूर्ण बहुमत दिया ना, आज जब पूर्ण बहुमत होगा तो अपनी मर्जी से कानून बना लेगा, 60 को 80 कर लेगा, 60 को 90 कर ले। लेकिन इनको पूर्ण बहुमत कहाँ? सभी चीज में, सब जगह, सरकारी नौकरी, राजनीति, व्यापार और पलटन, इन चारों क्षेत्रों में ये नीति लागू हो, इतनी व्यापकता से बात करते थे। लेकिन हो कब? हो कब? जब पॉलिटिकल सिस्टम जो है, सिस्टम, मैं व्यक्ति की बात नहीं करता, पॉलिटिकल सिस्टम का रिफॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, रिफॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, रिफॉर्म ऑफ जुडिशियल सिस्टम, रिफॉर्म ऑफ सोशल सिस्टम, ये समाज, समाज का रूपांतरण हो, न्यायपालिका का रूपांतरण हो, कार्यपालिका का रूपांतरण हो, और विधायिका का रूपांतरण हो, ये चारों के रूपांतरण करने के लिए दो ही रास्ता है, दो ही रास्ता। एक तो चीन और रूस वाला रास्ता है, कत्ल करो, और दूसरा रास्ता है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाओ, कानून बनाओ, कानून बना के करो। तो पार्लियामेंट के अंदर कानून बनेगा कब? जब ये सभी की सहमति होगी तब। नहीं तो पार्लियामेंट कानून बनेगा और सुप्रीम कहेगा कि नहीं, ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब उसके आगे कोई है अपील? अपील तो कुछ नहीं है। तो मान लो
मान लो जब यहाँ आके बात अटक गई है तो यहाँ से रास्ता कौन निकालेगा। तो लोकतंत्र में जब कहीं अवरोध पैदा हो जाए, लोकतंत्र में कहीं गतिरोध पैदा हो जाए, लोकतंत्र में कहीं स्पीड ब्रेकर आ जाए, तो उसको तोड़ने के लिए अंतिम पावर है जनता को, जनता को, कि जनता अपने विल पावर से ऐसी सरकार और सत्ता को पावर में लाए जो पूरी ताकत के साथ इस ओर कदम उठाए। और उस रास्ते में अगर जुडिशरी भी बाधक हो तो रास्ता निकाले। क्या है सर्वोच्च न्यायालय देश के लिए है कि देश सर्वोच्च न्यायालय के लिए है? ये जज साहब हमारे लिए हैं कि हम जज साहब के लिए हैं? 135 करोड़ लोग वो हमारे लिए हैं, मेरे लिए हैं? तो ये जहां पर जिसको कहते हैं एक वैधानिक क्रांति और एक है खूनी क्रांति, खूनी क्रांति से परिवर्तन करने वाले हुए फिर बैताल डाल पर कहीं ना कहीं फिर वही व्यक्ति की तानाशाही आ गई। पुतिन होंगे तो आजीवन बनेंगे और वो चिनफिंग होंगे तो आजीवन रहेंगे। तो ये जो तानाशाही एक है डेमोक्रेसी, तो लोकतंत्र बनाम समता बराबरी, ये जो हमारा सिद्धांत जो गांधी ने दिया था हमारा आधार है, उसको कैसे लागू होगा? तो लागू होगा करने वाले विल पावर के साथ करें और जनमत का समर्थन। डॉक्टर लोहिया ने 1952 में किताब लिखी है जो मैं लेख में लिखा था, कोट किया था, कि लोहिया ने लिखा था ऐसे समाजवादियों को, कहा था समाजवादियों ऐसा समय भी आएगा जब कोई ऐसी पार्टी आएगी जिसके खिलाफ सारी पार्टियां एक तरफ हो जाएगी, वैसे समय में वह पार्टी दृढ़ता के साथ अकेले खड़ी रहे और उन सभी का मुकाबला करे, तो उसी समय भारत के लोगों के शक्ति का चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेगा। ये डॉक्टर लोहिया ने सपना देखा, चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेगा, लेकिन उस दल को और उस नेता को भी उतने विल पावर होनी चाहिए कि नहीं सब खिलाफ हो तो हम अकेले हैं, अपनी राह पर चलेंगे, या तो बदलेंगे या नहीं तो मिटेंगे। नमस्कार, किसान तक के विशेष प्रोग्राम किसान तक न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है। मैं मनोज भट्ट, आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि मौजूद हैं। गांव से संसद तक का सफ़र आपने तय किया है, ग्राम प्रधान से केंद्रीय मंत्री तक का सफ़र आपने तय किया है, देश के एक सशक्त किसान नेता के तौर पर आपकी पहचान है। तो चुटीले अंदाज में गंभीर बातें कहने के लिए देश आपको पहचानता है। मैं बात कर रहा हूँ देश के वरिष्ठ किसान नेता, भाजपा के वरिष्ठ किसान नेता, दो बार भारतीय जनता पार्टी की किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुकुम नारायण देव यादव जी की बहुत बहुत स्वागत है हुकुम जी आपका। धन्यवाद, आप सब उनका भी स्वागत है। इसी के साथ इस कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल हम संपादक जी से लेते हैं। हम आज़ाद भारत में जो खेती है उस पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के जीतने के बाद आपका एक भाषण बहुत लोकप्रिय हुआ था, आज की भाषा में कहा जाए तो वायरल हुआ था। उसमें आपने एक दो चीज़ें बोली थी, एक तो इंडिया और हिंदुस्तान के बारे में आपने बोला था, साथ में आपने एक इंडिया गेट पे अपना एक किस्सा सुनाया था कि आपने एक कुत्ते को देखा जो बड़ी सी गाड़ी में बैठा था। अब लगभग 10 साल पूरे होने वाले हैं मोदी कार्यकाल के, इन 10 साल में आपको वो जो फ़र्क है इंडिया और हिंदुस्तान का, वो थोड़ा सिमटता हुआ दिखाई दिया है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, वो जो कुत्ते की ज़िंदगी है उसके मुकाबले जो आपने गांव खेती और उनके लिए बात की थी, उनकी ज़िंदगी थोड़ा सा और ऊपर आती हुई दिखी है। अगर दिखी है तो कितना दिखी है और कितना काम करना अभी बाकी है? देखिए, आपको धन्यवाद। मैं गांव में पला बढ़ा, अपने हाथ से हल चलाया, कुदाल चलाया, गाय भैंस को सानी पानी खिलाया, दूध निकाला, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ
कि जब मेरा बचपन था, उस बचपन में के समय में, उस समय 1939 में मेरा जन्म है और 1942 में क्रांति में मेरे पिताजी और मेरे 8 चाचा, 4 चचेरा भाई और गांव के 2 बढ़ई, 2 निषाद, ये इतने लोग रेल पुल तोड़ करके जेल गए थे। 4-4 साल की सजा हुई थी। तो अंग्रेजी राज के उस जुल्म को भी देखा था। उस समय मैं 3 साल का था। तो मैं कह सकता हूँ कि 1940 का जो दशक है, उससे पहले और, तो अगर मुझे ही आँख में पट्टी बांध दी जाती उस समय, और आज अगर दिल्ली में लाके खड़ा किया जाता, और चाहे गांव के, मेरे ही गांव के चौराहे पर, तो मैं ये कह सकता था कि मैं कहाँ चला आया, मैं नरक में से ये स्वर्ग में की यात्रा तक कैसे हो गई। तो आप ही समझिए कि कितना रूपांतरण हुआ है। मैं अपनी ज़िंदगी में उस रूपांतरण को देखा हूँ। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जब बाढ़ के समय में घुटने भर पानी में खड़े खड़े महिलाएँ भी सोच करती थी, और जब रात में निकलती थी तो टिपटिप पानी बरसे, इतने कीचड़ से जाके आवे, पैर के कीचड़ को धोने के लिए पानी नहीं रहता था, तो उसको ऐसे पोंछ के और कीचड़ के साथ ही लेट जाती थी चटाई पर, और पैर का कीचड़ गांव के लोगों को अपने आप सूख के झड़ जाता था। मिट्टी की ढिबरी वाली दीप जलाते थे और उसको जला के रात में सोते थे। सवेरे हम 6 भाई बहन थे, तो सब बच्चे सब उठते थे, चचेरे भाई भी सब थे, बहन थी, तो उठते थे, नाक में उंगली ले के ऐसे देखते थे कि किसकी उंगली में कितना काला है। तो मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड से तो तुम मरते हो, और हम तो बचपन में जितना कार्बन डाइऑक्साइड पचा चुके हैं, तो अब मुझ पर क्या असर करेगा। तो हम तो उस जिंदगी से निकल के इस जिंदगी में आए कि आज एक लालटेन घर में संपन्न किसान को रहता था, उसी लालटेन से घूम के सब काम करते थे, बच्चे पढ़ते भी थे, गाय भैंस का दूध निकालना हो तो लालटेन लेके दूध निकाल आते थे, तब तक बच्चे बैठे रहते थे, फिर लालटेन आवे फिर। और आज के भारत में, उसी बिहार में मैं अपने गांव को देखता हूं, तो गरीब के हर कमरे में जब 24 घंटा ये बल्ब की रोशनी को देखता हूं, और उनके बच्चे सब किताब लेके पढ़ते रहते हैं, और वो अपने मोबाइल को चार्जर में लगा के जब वो चार्ज कर लिया, और जब कहीं जाते हैं रिश्तेदारी में तो एक तरफ अपने खाने के लिए बैठते हैं, दूसरे तरफ मोबाइल को चार्जर में लगा देते हैं, अपना पेट भी भर लेते हैं, मोबाइल का पेट भी भर देते हैं। ये है दृष्टिकोण देखने का। कभी इस पर चिंतन लोग नहीं करते हैं कि अगर गांव हिंदुस्तान में हर घर ये बिजली की रोशनी नहीं गई होती, तो ये 2-3 साल कोरोना के पीरियड में हिंदुस्तान के गांव में बसने वाले लोग हैं और गरीब के जो बच्चे हैं, वो सब 3 साल पढ़ाई में पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास करते कहाँ से करते। लेकिन ये बिजली तो उनके घर घर चली गई थी, तो किसी के पढ़ाई नहीं रुके, सब ये मोबाइल पर ही सही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे। और मैं जब दिल्ली से फ़ोन करके हालचाल पूछता था, तो बहुत साथी को कहता था, भाई सवेर से हम मोबाइल किए, 3-4 बार लगाए, कहाँ मोबाइल है। तो कहे कि सर 12 बजे तक मोबाइल जो है से पोती पोता बेटा रख ले रहे है, बेटी वकरा सबके पढ़ाई हुई है, या 12-1 बजे के बाद मोबाइल हम लो ले छे, आ तब तो कुकरा रहे है। ये है अनुभूति। अगर उन बच्चों के 3 साल उनका बचपन अगर पीछे चला जाता, तो कभी इस दृष्टि से देखिए कि
अगर किसी बच्चे की जिंदगी, जवान की जिंदगी 3 साल पीछे चला जाए तो पूरा हिंदुस्तान 3 साल पीछे चला जाएगा, और जब पूरा देश 3 साल पीछे चला जाएगा तो हिंदुस्तान का संपूर्ण विकास और संपूर्ण 3 साल पीछे चला जाएगा। तो देश आगे बढ़ेगा कि पीछे बढ़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था आगे हटेगी कि पीछे जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया कि हर घर तक बिजली पहुंचा देना है, और हर घर तक बिजली पहुंच गई तो हिंदुस्तान की अर्थनीति हो, किसान जिस क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र जो 3 साल पीछे चला जाता वो 3 साल पीछे नहीं गया, बल्कि उस 3 साल के अंदर ऑनलाइन घर में बैठ करके लोगों ने जो काम करने का सीखा, जिसको कहते हैं कल्चर, संस्कृति, घर बैठे, तो घर बैठे काम करने का किया। क्यों किया? क्योंकि उनको घर बैठ करके काम करने की बिजली की सुविधा थी। आपने कहा एक आपने अंतर बताया कि ये अंतर आया है, इस तरह के अंतर आए हैं, परंतु मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो शहर और गांव का वो अंतर बहुत बड़ा है, अंतर ये बड़ा है, क्या किसी यदि शहर में हम बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसकी खुली छूट है कि वो अपने व्यवसाय को बहुत आगे बढ़ा ले, परंतु वहीं पर मैं देख रहा हूँ कि किसानों की का जो अवसर है खेती में, चाहे उसके कृषि उपज हो, चाहे दूध हो, चाहे जो भी चीज़ें हैं, उनको यदि बढ़ाने का जब अवसर मिलता है तो उस पर चाबुक चल जाता है, या जैसे भी चाबुक चले, सरकार की तरफ से चले कि नहीं ये तुम्हारी यही स्तर है, यहीं तक अपने दाम बढ़ाओ, तुमको बढ़ने का आगे का अवसर नहीं मिल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको भी और हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को कहूँगा, मैं बराबर बोलते रहा हूँ सब जगह कि विश्वविद्यालय में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके भी अपनी दृष्टि और शोध की दृष्टि बदलनी पड़ेगी। 1956 में डॉक्टर लोहिया ने मैनकाइंड में लेख लिखा था, उसमें लिखा था कि हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर पढ़ाई को बदलो, केवल व्याख्या तक ही मत रखो, अनुसंधान और व्याख्या में मत उलझे रहो, विश्लेषण भी करो। तो भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि जितनी भी क्षेत्र में काम करने वाले हैं वे अनुसंधान किए, व्याख्या किए, लेकिन विश्लेषण नहीं किए। विश्लेषण का मतलब बहुआयामी, बहुआयामी, चाहे कृषि हो, शिक्षा हो, उद्योग हो, राजनीति हो, व्यापार हो, ये सभी की समग्रता में समेकित विश्लेषण, विश्लेषण संतुलित। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो उस समय समाजवादी थे, दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान के एक वर्ग के लोगों ने समाज, उनको समाजवाद शब्द से ही घृणा है, वो समाजवाद का मतलब समझते हैं कम्युनिज्म, लेकिन कम्युनिज्म और सोशलिज्म दोनों आकाश पाताल का अंतर है। आज नहीं पढ़े हैं जो लोग तो पढ़े डॉक्टर लोहिया की मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म एंड इकोनॉमिक्स आफ्टर मार्क्स, पढ़ ले तो उनको पता लगेगा कि 49-50 के दशक में आज़ादी के आंदोलन के समय से ही जो ये दर्शन डॉक्टर लोहिया लिख रहे थे वो कितनी दूर तक की कल्पना किए थे। तो हमने उसको नहीं देखा उस पर। आप किसान की बात कहते हैं तो एक ही केवल वही नहीं है विषमता, गांव और शहर की विषमता है, उद्योग और कृषि की विषमता है, नौकरी, नौकरी, नौकरी करने वाले और खेती करने वाले की भी विषमता है, जाति के आधार पर भी विषमता है, जन्म के आधार पर विषमता है, लिंग के आधार पर विषमता है, रंग के आधार पर विषमता है, और तकनीकी विषमता भी है। तो ये जो तकनीकी विषमता के कारण जो शोषण होता है, जिसको डॉक्टर लोहिया उस समय उठाते थे, अब कहा था उन्होंने अमेरिका एक मिनट में जितना सामान बनाता है उसी को रूस 6 मिनट में बनाता है, चीन 9 मिनट में बनाता है, भारत 13 मिनट में बनाता है। और जब हम रुपए के आधार पर लेन देन पर समझौता व्यापार करते हैं तो अमेरिका का 1 मिनट लेते हैं और अपना 13 मिनट देते हैं। यह एक्सप्लाइटेशन है, इसको बंद करो, इसको बदलो, बदलो।
टाइम के आधार पर, समय के आधार पर व्यापार, व्यापार का विनिमय समय के आधार पर हो। उस समय कहते तो अपनी तकनीक को बदलो। तकनीक माने कि तुम जो यूरोप के अंदर से जो तकनीक लेते हो, मशीन लेते हो, तो तुम उनके मशीन लेते हो लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं लेते हो। अगर हमको कोई अपने मशीन के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी दे तब तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तुम गुलाम के जैसे क्यों लेते हो? और जब हम उनकी उनको टेक्नोलॉजी लेंगे तो उस टेक्नोलॉजी का जो नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को इस बार लोक ये लाल किला से कहा, 1 घंटा 45 मिनट के भाषण में केवल 6 शब्द हैं महत्वपूर्ण, निचोड़: रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। ये देश को करना है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और संतुष्टिकरण से लड़ना है। ये तीन बुराई को हटाओ और 3 अच्छाई को ग्रहण करो। तो जो रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, तो उसी समय समाजवादी होने के नाते डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में हम लोग चलते थे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सभी क्षेत्रों में, सभी समग्र क्षेत्रों में रूपांतरण, आज़ाद भारत का रूपांतरण होना चाहिए। लेकिन करता कौन? फिर आप कहेंगे कि कहने वाले तो कहे, गांधी ने कहा, लोहिया ने कहा, करता कौन? तो यहीं पर आता है जो राज चलाने वाले होते हैं उनका विल टू पावर। डॉक्टर लोहिया की किताब है उस समय जो, उसका नाम ही है विल टू पावर, इच्छा शक्ति, कि हमको ऐसा करना है, या तो हम करेंगे नहीं तो मरेंगे, या तो करके जाएंगे और नहीं तो करते करते मर के जाएंगे, लेकिन हम करके जाएंगे। ये जो डिटर्मिनेशन है विल टू पावर जो अभी नरेंद्र मोदी में है, अगर यही विल टू पावर और डिटर्मिनेशन वाला प्रारंभिक समय ही भारत का कोई नेतृत्व प्रदेशों में और केंद्र में आया होता तो आज भारत जहां खड़ा है, भारत विश्व के सबसे शीर्ष स्थान पर खड़ा होता, शीर्ष स्थान पर खड़ा होता। तो इन विसंगतियों को मिटाने का प्रयास करना चाहिए, जो विसंगति है समाज के अंदर, और जहाँ जहाँ विसंगति है उनको कैसे मिटे उसके लिए समय लगेगा। और हम समाजवादी थे, डॉक्टर लोहिया ने हम लोगों को कहा था, अरे 5000 साल के रोग को कोई 25-50 बरस में इलाज नहीं कर सकते हो, धीरज रखो, तुम अपनी दृष्टि सही रखो, दिशा सही रखो, संकल्प सही रखो और तुम अपने इस परिवर्तन के काम में निरंतर लगे रहो। तुम अपना भी परिवर्तन करो, समाज का भी परिवर्तन करो, राष्ट्र का भी परिवर्तन करो, अपनी नीतियों को भी परिवर्तित करते रहो, तब कहीं जाके 200-400 साल में जाकर के इस परिवर्तन का पूरा रूप दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये 5000 बरस का कोर है। एक हालिया विसंगति है, मैं उस विसंगति की तरफ जाऊंगा। आपने ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी और हम जिसकी मैं जिस सवाल पूछ रहा हूँ, विसंगति आज़ादी के बाद बहुत तेज हुई है, 21वीं सदी में है, हम आधुनिक भारत की परिकल्पना कर रहे हैं और किसान अभी भी लाभकारी मूल्य मांग रहे हैं। आज़ादी के बाद देखा कि किसान को उनकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पाता है, तो ये समस्या जो आधुनिक भारत की समस्या है। एक समय तक जो सिस्टम था वो किसान मुख्य फसल बेचकर ही, फसल के बेस पर ही सारा व्यापार कर लेते थे, लेकिन अब फसल गौण हो गई है, रुपया शीर्ष हो गया है और किसानों को भी उनकी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो आज़ाद भारत की जो सबसे बड़ी समस्या अगर मैं समझता हूँ तो यह है कि किसान अपनी ही फसल का वाजिब दाम मांग रहा है, तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, समस्या का समाधान कैसे है? देखिए, आप लोगों ने उस राज को नहीं देखा है जब किसानों को लेवी लगती थी और हमको, हम उस समय पीड़ित थे, हमारे पिताजी साधारण किसान थे, लीडर को खुशामद करने जाते थे, सरकार के तरफ से लेवी लग जाती थी किसान को, उपज हो या नहीं हो खेत में, लेकिन लेवी लगती थी। तो इनको 50-25 क्विंटल आपको धान देना है, आपको 50 क्विंटल देना है जमीन के हिसाब से। और हम लोगों की जमीन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थी, कभी कभी अपने खाने के लिए भी अनाज नहीं पैदा हो, 3 महीने तक पानी में डूबा रह जाए, ऊपर से लेवी आ जाए कि आपको, मेरे पिताजी के उस समय गांव के अपनी बीघा के हिसाब से 100 बीघा जमीन थी, जिसको कहिए 60-70 एकड़ थे दोनों, दो भाई में,
तो खेत में गेहूँ ये धान पैदा हुआ था एक साल कुल 30 मन। अब 30 मन धान में साल भर अपने खाओ, परिवार को खिलाओ कि मजदूरी कराओ, और ऊपर से ले भी लग गई थी 10 मन, नहीं दो तो मुकदमा होगा। उस युग को भी हमने देखा है, जो नहीं देखा है उस युग को उनको नहीं पता है। नहीं, हम लोग तो आज आजाद भारत में ना, अपना एक लोकतंत्र है। देखिए आजाद भारत में है, मैं आजाद भारत की बात कर रहा हूँ, जब किसान को ले भी लगी थी, आजाद भारत की बात कर रहा हूँ, जब हिंदुस्तान के लोग अमेरिका का PL 480 का सड़ा हुआ गेहूं खाते थे, ज्वार खाते थे, पर संपन्न लोग लाइन लगाने जाते थे। मैं उस समय 60 में ग्राम पंचायत का प्रधान था, अच्छे अच्छे लोग आ जाते थे, चुपचाप कान में कहते थे, मुखिया जी ध्यान रखबई, हम लोग सबके चूल्हा बंद है। लेकिन वो लाइन में नहीं लग सकते थे इज्जत के कारण, ऐसे ऐसे लोगों को चुपचाप नज़र में रखते थे और उनको कहते थे कि अपना बोरा चाहे गठरी वाला रख दीजिए उधर, और रात में वो डीलर को कहते थे कि इस सब में इनके 10 किलो 15 किलो के हिसाब से बांध दो और अपने आदमी के मार्फत उनके घर पर चुपचाप पहुँचाया। उस भारत को भी हमने देखा है, भोगा है। जब देश आज़ाद हुआ था तो जनसंख्या 35 करोड़ और जमीन 13 मिलियन हेक्टेयर और उत्पादन होता था 50 मिलियन टन। जमीन 13 करोड़ मिलियन हेक्टेयर, उत्पादन 50 मिलियन टन, जनसंख्या 35 करोड़। आज वही भारत है जो जनसंख्या 135 करोड़, जमीन 13 से घट के 11, खेती के काम विकास में चले गए और उत्पादन हो रहा है आज 200 मिलियन टन। कैसे हुआ साहब, कैसे हुआ? इसलिए किसान के अंदर जो MSP है, समर्थन मूल्य, बाद में आया है समर्थन मूल्य का मतलब क्या, उसमें फिर आया। हम ही लोग लड़ते थे चौधरी चरण सिंह के समय में, समाजवादी किसान सभा में, डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में, कि नहीं लाभकारी मूल्य, समर्थन मूल्य लाभकारी मूल्य। तो स्वामीनाथन की कमेटी ने लाभकारी मूल्य की बात की है, समर्थन मूल्य का नहीं। एक अपनी जगह सही है, लेकिन कभी इस बात को हिंदुस्तान के किसी किसान ने, जो किसान के नाम पर, एक है किसान के नाम पर नेतागिरी करना, एक है किसान के लिए नेतागिरी करना, एक है किसान के द्वारा नेतागिरी करना, ये तीनों में फर्क है, फर्क है। तो जब हम सोचेंगे तो कभी हमने ये सोचा कि हिंदुस्तान के अंदर जो ये मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स 86.07% है, मतलब 2 हेक्टेयर से कम जमीन जोतने वाले 86% लोग हैं और 1 हेक्टेयर से कम जमीन जोतने वाले लोग 68% हैं। तो जो 68% किसान सीमांत किसान हैं, भूमिहीन के बराबर हैं, अपने खेत में खेती करते हैं और पार्ट टाइम में जाके मजदूरी करते हैं, दोनों है, किसान है मजदूर साथ साथ हैं। और ऐसे किसान जो ये 67% जो किसान है, अब इनकी अभिसंगति बिहार में 96.96, मतलब 97% हैं ये, गौर करिएगा। और हरियाणा में 68.57% है और पंजाब में 33.11% है। तो कहाँ ये मार्जिनल किसान बिहार में 97 और कहाँ पंजाब में है 33, क्या दोनों के लिए समान नीति बन सकती है क्या? जो कहते हैं वो अवैज्ञानिकता की बात करेंगे, दोनों की समान नीति नहीं बनेगी। दूसरा है, एक किसान है जिसके खेती के अलावे उसके घर में नौकरी भी है, दूसरा किसान है जिसके घर में खेती के अलावे नौकरी और व्यापार दोनों है, तीसरा किसान है जिसके घर में खेती नौकरी व्यापार और राजनीति तीनों है, और एक किसान है जिसके घर में खेती के अलावे दूसरा आय का कोई जरिया नहीं है।
तो जब किसान की बात हम करेंगे तो किसको पहले उठावेंगे, हम किसके लिए पहले बात करेंगे? ईमानदारी है, अगर देश के अंदर हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना है तो हम सबसे पहले जो हिंदुस्तान के ये जो 86% जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी बात करेंगे, उनके खेती में अच्छी खेती हो, उनके टेक्नोलॉजी उन्हीं के अनुसार हो, उनको समय से पानी मिले, उनके फसल की खरीदी हो, और जिसके घर में खेती नौकरी और व्यापार ये तीनों है रोजगार, और वही अगर कहें कि पहले मेरी सुविधा दो उनकी बात मत करो, और उसी के पीछे लोग पागल होकर दौड़ने लगे क्योंकि उनके पीछे उनको जात का समर्थन है, किसान स्वयं भी अपने भी तो सोचे। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि दिया है, किसके लिए है? वो जो जिसके पास में खेती के अलावे जिसके पास में कोई दूसरा आय का जरिया नहीं है, ऐसे किसान को 6,000 रुपया साल में देंगे सपोर्ट। ये मान के चलेंगे 6,000 रुपया साल में देने का मतलब उनके पास में अगर 1 हेक्टेयर ज़मीन है तो 1 हेक्टेयर पर 6,000 हुआ साल का कंपनसेशन, ऐसे समझिए। 1 हेक्टेयर ज़मीन वाले किसान को साल में 6,000 उनको मिला कंपनसेशन सपोर्ट, जिसको कहिए लाइफ सपोर्ट। और अब ये जो बाकी किसान वो भी उसी किसान के जैसे लेना चाहेंगे। फिर इसको ऐसे आइए, आखिरी में मैं कंक्लूड कर देता हूँ। डॉक्टर लोहिया के समय में हम लोग नारा लगाते थे, खेती नौकरी और व्यापार एक आदमी एक रोजगार, एक रोजगार। आप कहोगे कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं करते? नरेंद्र मोदी को कहिए ना, पार्लियामेंट में सभी एमपी को आप अपने एमपी को कहिए कि तुम नारा लगाओ खेती नौकरी और व्यापार एक आदमी एक रोजगार, और नरेंद्र मोदी 10 बजे तुम नारा लगाओ, और 4 बजे तक अगर नरेंद्र मोदी नोटिफिकेशन नहीं कर दे तो हुकुम देव नारायण यादव जहर खा लेगा। मांगो ना सरकार को, इस पर दबाओ ना। इसके लिए पार्लियामेंट में कहा तुम्हारी जीव में ताकत है, क्योंकि तुम वेस्टेड इंटरेस्ट हो, तुम निहित स्वार्थी हो। ये 3 फार्मूला शहर लागू कर दो, खेती नौकरी और व्यापार एक आदमी एक रोजगार। जिसको खेती है व्यापार है उसको कोई नौकरी नहीं देंगे सरकार की, चाहे वो आईएएस की नौकरी हो और चाहे चपरासी की नौकरी हो। किसको देंगे? जिसके पास में खेती नौकरी और व्यापार, जिसके पास में न खेती है और न व्यापार है, जो बिल्कुल बेरोजगार है उसको प्रायोरिटी दो। नहीं, पर इसमें आपने ये कहा, ऐसा कहना चाह रहे हैं किसानी में भी आरक्षण जैसा कुछ आएगा कि किसान की 4 वो होंगी, एक के पास तो खेती और व्यापार है, एक के पास सिर्फ खेती है, मतलब हम इस तरह की बात करें, इस तरह से पॉलिसीज बनाएं? नहीं, फिर आरक्षण शब्द हमारा नहीं है, मैं आरक्षण का विरोधी हूँ। हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे सिर्फ उसको? हाँ ना, मैं आरक्षण का विरोधी हूँ शब्द का जी। हमारे समाजवादी नेता डॉक्टर लोहिया कहते थे विशेष अवसर, स्पेशल अपॉर्चुनिटी, विशेष अवसर। विशेष अवसर मैंने कि घर में कोई बीमार है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसको दूध दो, फल दो, अंडा दो, लेकिन जब वो स्वस्थ हो जाता है तब भी वो घर में परिवार के सबको कहे कि मुझको वही खाना देते रहो तो डॉक्टर लोहिया कहते थे नहीं, तब उसकी क्रूरता है, अमानवीयता है। वो स्वस्थ हो गया तो जाओ, कोई बीमार है उसको फिर बीमार वाला खाना खिलाओ। इसका मतलब आरक्षण के अंदर भी जो आदमी आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से सबल होते जाए उनको बाहर करते जाओ, और जो नीचे छूटा हुआ है उनको विशेष अवसर, स्पेशल अपॉर्चुनिटी, तो स्पेशल अपॉर्चुनिटी देके उनको ऊपर लाते जाओ। और जब वो स्पेशल राइट वाले बन जाते हैं, आरक्षण स्पेशल राइट, स्पेशल माने विशेषाधिकार, तो जन्म के आधार पर विशेषाधिकार था कुछ जातियों को, और अर्थ के आधार पर विशेषाधिकार है कुछ पूंजीपतियों को, और आरक्षण के आधार पर विशेषाधिकार है कुछ आरक्षणवादियों को। तो बाकी जो लोग छूट जाते हैं, जिनको कहते हैं छूटे हुए लोग जी, तो स्पेशल अपॉर्चुनिटी माने विशेष अवसर, विशेषाधिकार बनाम विशेष अवसर।
कि विशेषाधिकार को मिटाते चलो और विशेष अवसर वाले को आगे बढ़ाते चलो, लंबे समय के बाद ये बराबरी में लाने का प्रयास करो, लेकिन संपूर्ण समता की बात करना पाखंड है। टोटल इक्वालिटी जिसको कहते हो कहेगा को लोग, वो पाखंड है। कभी भगवान भी नहीं, ईश्वर भी नहीं पूर्ण बराबरी की कर पाए। हाँ, उसको कहते हैं, डॉक्टर लोहिया ने कहा था, संभव बराबरी। संभव, संभव, हम गैप को मिटाते जाएंगे। कैसे मिटाबेंगे? तो उसके लिए प्रयत्न करेंगे। तो हमने वो प्रयत्न, एक हमारा उस समय था कि 100 से कम न 1000 से ज़्यादा, समाजवाद का यही तकाजा कि एक नीति निर्धारित करो कि इस कंपनी में है तो इस कंपनी के डायरेक्टर को अगर 1000 रुपया मिलेगा तो इस कंपनी के पीन को 100 रुपया मिलेगा। ये नीति बनाओ, वाइस चांसलर को 1000 रुपया तो चपरासी को 100 रुपया, कि सब 100 से कम न 1000 से ज़्यादा। तो ये नीति, देखो मैं नीति की बात कर रहा हूँ। अब आप कहोगे कि कोई ये नहीं किया, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कर रहे, उन्हें ये सब है नीति। करने की बात, करने की बात किसको है? कर सकता है देश में पार्लियामेंट, या कर सकती है जुडिशरी। तो जुडिशरी है, उसके जो सोशल कैरेक्टर हैं, आर्थिक और सामाजिक चरित्र है, वो फ्यूडलिस्ट है, वो सामंतवादी चरित्र है, परिवारवादी चरित्र है, तो उसे संभव नहीं है। तब कर सकता है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट करे तब जब पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के सदस्य की इच्छा शक्ति हो, तब विल पावर। और सामूहिक इच्छा, केवल किसी व्यक्ति की नहीं, सामूहिक इच्छा, सामूहिक इच्छा। आरक्षण पे जो अभी आपने बोला, तो अब फिर एक सवाल आ जाएगा कि तो महिला आरक्षण पर आपका क्या कहना है? देखो, हाँ, फिर मैं आरक्षण की बात किया ना, हाँ, तो जब महिला आरक्षण की बात आएगी, तो हम जिस समय थे उस समय हम जब आरक्षण की बात करते थे ना कि डॉक्टर लोहिया बांधे गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, और उस पिछड़ा में, पिछड़ा केवल एक एक समूह था, पिछड़ा में पांच थे, कौन कौन? अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, महिला ऑन दी होल, और धार्मिक अल्पसंख्यक में पिछड़ा, मुसलमान में, जिसको आजकल पसमंदा मुसलमान कहते हैं वो। तो हमारे ये पांच थे, आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, महिला ऑन दी होल, और उसके बाद धार्मिक अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक का पिछड़ा, सरदार में भी है हरिजन और पिछड़ा, ओ इन सब को मिला करके ग्रुप बना के कहते थे संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। तब 100 में 60 क्यों? तो लोकतंत्र में 51 का राज है ना, 51, और हम इनको कहते हैं 60। तो पूर्ण बहुमत दिया ना, आज जब पूर्ण बहुमत होगा तो अपनी मर्जी से कानून बना लेगा, 60 को 80 कर लेगा, 60 को 90 कर ले। लेकिन इनको पूर्ण बहुमत कहाँ? सभी चीज में, सब जगह, सरकारी नौकरी, राजनीति, व्यापार और पलटन, इन चारों क्षेत्रों में ये नीति लागू हो, इतनी व्यापकता से बात करते थे। लेकिन हो कब? हो कब? जब पॉलिटिकल सिस्टम जो है, सिस्टम, मैं व्यक्ति की बात नहीं करता, पॉलिटिकल सिस्टम का रिफॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, रिफॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, रिफॉर्म ऑफ जुडिशियल सिस्टम, रिफॉर्म ऑफ सोशल सिस्टम, ये समाज, समाज का रूपांतरण हो, न्यायपालिका का रूपांतरण हो, कार्यपालिका का रूपांतरण हो, और विधायिका का रूपांतरण हो, ये चारों के रूपांतरण करने के लिए दो ही रास्ता है, दो ही रास्ता। एक तो चीन और रूस वाला रास्ता है, कत्ल करो, और दूसरा रास्ता है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाओ, कानून बनाओ, कानून बना के करो। तो पार्लियामेंट के अंदर कानून बनेगा कब? जब ये सभी की सहमति होगी तब। नहीं तो पार्लियामेंट कानून बनेगा और सुप्रीम कहेगा कि नहीं, ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब उसके आगे कोई है अपील? अपुल,
उसका फिर तो कुछ नहीं है। तब मान लो जब यहाँ आके बात अटक गई है तो यहाँ से रास्ता कौन निकालेगा? तो लोकतंत्र में जब कहीं अवरोध पैदा हो जाए, लोकतंत्र में कहीं गतिरोध पैदा हो जाए, लोकतंत्र में कहीं स्पीड ब्रेकर आ जाए, तो उसको तोड़ने के लिए अंतिम पावर है जनता को कि जनता अपने विल पावर से ऐसी सरकार और सत्ता को पावर में लाए जो पूरी ताकत के साथ इस ओर कदम उठाए। और उस रास्ते में अगर जुडिशरी भी बाधक हो तो रास्ता निकाले। क्या है सर्वोच्च न्यायालय देश के लिए है कि देश सर्वोच्च न्यायालय के लिए है? ये जज साहब हमारे लिए हैं कि हम जज साहब के लिए हैं? 135 करोड़ लोग वो हमारे लिए हैं, मेरे लिए हैं? तो ये जहां पर जिसको कहते हैं एक वैधानिक क्रांति और एक है खूनी क्रांति। खूनी क्रांति से परिवर्तन करने वाले हुए फिर बैताल डाल पर कहीं ना कहीं फिर वही व्यक्ति की तानाशाही आ गई। पुतिन होंगे तो आजीवन बनेंगे और वो चिनफिंग होंगे तो आजीवन रहेंगे। तो ये जो तानाशाही एक है डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र बनाम समता बराबरी, ये जो हमारा सिद्धांत जो गांधी ने दिया था और हमारा आधार है उसको कैसे लागू होगा? तो लागू होगा करने वाले विल पावर के साथ करें और जनमत का समर्थन। डॉक्टर लोहिया ने 1952 में किताब लिखी है जो मैं लेख में लिखा था, कोट किया था कि लोहिया ने लिखा था, ऐसे समाजवादियों को कहा था, समाजवादियों ऐसा समय भी आएगा जब कोई ऐसी पार्टी आएगी जिसके खिलाफ सारी पार्टियां एक तरफ हो जाएगी, वैसे समय में वह पार्टी दृढ़ता के साथ अकेले खड़ी रहे और उन सभी का मुकाबला करे, तो उसी समय भारत के लोगों के शक्ति का चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेगा। ये डॉक्टर लोहिया ने सपना देखा, चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन उस दल को और उस नेता को भी उतने विल पावर होनी चाहिए कि नहीं, सब खिलाफ हो तो हम अकेले हैं, अपनी राह पर चलेंगे, या तो बदलेंगे या नहीं तो मिटेंगे। नमस्कार, किसान तक के विशेष प्रोग्राम किसान तक न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं मनोज भट्ट, आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि मौजूद हैं। गांव से संसद तक का सफ़र आपने तय किया है, ग्राम प्रधान से केंद्रीय मंत्री तक का सफ़र आपने तय किया है, देश के एक सशक्त किसान नेता के तौर पर आपकी पहचान है। तो चुटीले अंदाज में गंभीर बातें कहने के लिए देश आपको पहचानता है। मैं बात कर रहा हूँ देश के वरिष्ठ किसान नेता, भाजपा के वरिष्ठ किसान नेता, दो बार भारतीय जनता पार्टी की किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुकुम नारायण देव यादव जी की बहुत बहुत स्वागत है हुकुम जी आपका। धन्यवाद, आप सबों का भी स्वागत है। इसी के साथ इस कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल हम संपादक जी से लेते हैं। हम आज़ाद भारत में जो खेती है उस पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के जीतने के बाद आपका एक भाषण बहुत लोकप्रिय हुआ था, आज की भाषा में कहा जाए तो वायरल हुआ था। उसमें आपने एक दो चीज़ें बोली थी, एक तो इंडिया और हिंदुस्तान के बारे में आपने बोला था, साथ में आपने एक इंडिया गेट पे अपना एक किस्सा सुनाया था कि आपने एक कुत्ते को देखा जो बड़ी सी गाड़ी में बैठा था। अब लगभग 10 साल पूरे होने वाले हैं मोदी कार्यकाल के, इन 10 साल में आपको वो जो फ़र्क है इंडिया और हिंदुस्तान का वो थोड़ा सिमटता हुआ दिखाई दिया है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, वो जो कुत्ते की ज़िंदगी है उसके मुकाबले जो आपने गांव खेती और उनके लिए बात की थी, उनकी ज़िंदगी थोड़ा सा और ऊपर आती हुई दिखी है। अगर दिखी है तो कितना दिखी है और कितना काम करना अभी बाकी है? देखिए, आपको धन्यवाद। मैं गांव में पला बढ़ा, अपने हाथ से हल चलाया, कुदाल चलाया, गाय भैंस को सानी पानी खिलाया, दूध निकाला,
लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जब मेरा बचपन था, उस बचपन में के समय में, उस समय 1939 में मेरा जन्म है और 1942 में क्रांति में मेरे पिताजी और मेरे 8 चाचा 4 चचेरा भाई और गांव के 2 बढ़ई 2 निषाद ये इतने लोग रेल पुल तोड़ करके जेल गए थे, 4-4 साल की सजा हुई थी। तो अंग्रेजी राज के उस जुलूम को भी देखा था, उस समय मैं 3 साल का था। तो मैं कह सकता हूँ कि 1940 का जो दशक है उससे पहले, और तो अगर मुझे ही आँख में पट्टी बांध दी जाती उस समय और आज अगर दिल्ली में लाके खड़ा किया जाता, चाहे गांव के, मेरे ही गांव के चौराहे पर, तो मैं ये कह सकता था कि मैं कहाँ चला आया, मैं नरक में से ये स्वर्ग में की यात्रा तक कैसे कैसे हो गई। तो आप ही समझिए कि कितना कितना रूपांतरण हुआ है। मैं अपनी ज़िंदगी में उस रूपांतरण को देखा हूँ। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जब्बार के समय में घुटने भर पानी में खड़े खड़े महिलाएँ भी सोच करती थी, और जब रात में निकलती थी तो टिपटी पानी बरसे, इतने कीचड़ से जाके आवे, पैर के कीचड़ को धोने के लिए पानी नहीं रहता था, तो उसको ऐसे पोछ के और कीचड़ के साथ ही लेट जाती थी चटाई पर, पैर का कीचड़ गांव के लोगों को अपने आप सूख के झर जाता था। मिट्टी की ढिबरी वाली दीप जलाते थे और उसको जला के रात में सोते थे। सवेरे हम 6 भाई बहन थे तो सब बच्चे सब उठते थे, चचेरे भाई भी सब थे, बहन थी, तो उठते थे नाक में उंगली ले के ऐसे देखते थे कि किसकी उंगली में कितना काला है। तो मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड से तो तुम मरते हो और हम तो बचपन में जितना कार्बन डाइऑक्साइड पचा चुके हैं तो अब मुझ पर क्या असर करेगा। तो हम तो उस जिंदगी से निकल के इस जिंदगी में आए कि आज एक लालटेन घर में संपन्न किसान को रहता था, उसी लालटेन से घूम के सब काम करते थे, बच्चे पढ़ते भी थे, गाय भैंस का दूध निकालना हो तो लालटेन लेके दूध निकाल आते थे, तब तक बच्चे बैठे रहते थे, फिर लालटेन आवे फिर। और आज के भारत में, उसी बिहार में मैं अपने गांव को देखता हूं, तो गरीब के हर कमरे में जब 24 घंटा ये बल्ब की रोशनी को देखता हूं और उनके बच्चे सब किताब लेके पढ़ते रहते हैं और वो अपने मोबाइल को चार्जर में लगा के जब वो चार्ज कर लिया और जब कहीं जाते हैं रिश्तेदारी में तो एक तरफ अपने खाने के लिए बैठते हैं, दूसरे तरफ मोबाइल को चार्जर में लगा देते हैं, अपना पेट भी भर लेते हैं, मोबाइल का पेट भी भर देते हैं। ये है दृष्टिकोण देखने का। कभी इस पर चिंतन लोग नहीं करते हैं कि अगर गांव हिंदुस्तान में हर घर ये बिजली की रोशनी नहीं गई होती तो ये 2-3 साल कोरोना के पीरियड में हिंदुस्तान के गांव में बसने वाले लोग हैं और गरीब के जो बच्चे हैं वो सब 3 साल पढ़ाई में पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास करते कहाँ से करते। लेकिन ये बिजली तो उनके घर घर चली गई थी तो किसी के पढ़ाई नहीं रुके, सब ये मोबाइल पर ही सही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे। और मैं जब दिल्ली से फ़ोन करके हालचाल पूछता था तो बहुत साथी को कहता था, भाई सवेर से हम मोबाइल किए 3-4 बार लगाए, कहाँ मोबाइल है? तो कहे कि सर 12 बजे तक मोबाइल जो है से पोती पोता बेटा रख ले रहे है, बेटी वकरा सबके पढ़ाई हुई है, या 12-1 बजे के बाद मोबाइल हम लो ले छे आ तब तो कुकरा रहे है। ये है अनुभूति।
अनुभूति। अगर उन बच्चों के 3 साल उनका बचपन अगर पीछे चला जाता तो कभी इस दृष्टि से देखिए कि अगर किसी बच्चे के जिंदगी, जवान की जिंदगी 3 साल पीछे चला जाए तो पूरा हिंदुस्तान 3 साल पीछे चला जाएगा, और जब पूरा देश 3 साल पीछे चला जाएगा तो हिंदुस्तान का संपूर्ण विकास और संपूर्ण 3 साल पीछे चला जाएगा। तो देश आगे बढ़ेगा कि पीछे बढ़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था आगे हटेगी कि पीछे जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया कि हर घर तक बिजली पहुंचा देना है, और हर घर तक बिजली पहुंच गई तो हिंदुस्तान की अर्थनीति हो, किसान जिस क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र जो 3 साल पीछे चला जाता वो 3 साल पीछे नहीं गया, बल्कि उस 3 साल के अंदर ऑनलाइन घर में बैठ करके लोगों ने जो एक काम करने का सीखा जिसको कहते हैं कल्चर, संस्कृति, घर बैठे, तो घर बैठे काम करने का किया। क्यों किया? क्योंकि उनको घर बैठ करके काम करने की बिजली की सुविधा थी। आपने कहा एक आपने अंतर बताया कि ये अंतर आया है, इस तरह के अंतर आए हैं, परंतु मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो शहर और गांव का वो अंतर बहुत बड़ा है, अंतर ये बड़ा है, क्या किसी यदि शहर में हम बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसकी खुली छूट है कि वो अपने व्यवसाय को बहुत आगे बढ़ा ले, परंतु वहीं पर मैं देख रहा हूँ कि किसानों की का जो अवसर है खेती में, चाहे उसके कृषि उपज हो, चाहे दूध हो, चाहे जो भी चीज़ें हैं, उनको यदि बढ़ाने का जब अवसर मिलता है तो उस पर चाबुक चल जाता है, या जैसे भी चाबुक चले, सरकार की तरफ से चले कि नहीं ये तुम्हारी यही स्तर है, यहीं तक अपने दाम बढ़ाओ, तुमको बढ़ने का आगे का अवसर नहीं मिल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको भी और हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को कहूँगा, मैं बराबर बोलते रहा हूँ सब जगह कि विश्वविद्यालय में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके भी अपनी दृष्टि और शोध की दृष्टि बदलनी पड़ेगी। 1956 में डॉक्टर लोहिया ने मैनकाइंड में लेख लिखा था, उसमें लिखा था कि हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर पढ़ाई को बदलो, केवल व्याख्या तक ही मत रखो, अनुसंधान और व्याख्या में मत उलझे रहो, विश्लेषण भी करो। तो भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि जितनी भी क्षेत्र में काम करने वाले हैं वे अनुसंधान किए, व्याख्या किए, लेकिन विश्लेषण नहीं किए। विश्लेषण का मतलब बहुआयामी, बहुआयामी, चाहे कृषि हो, शिक्षा हो, उद्योग हो, राजनीति हो, व्यापार हो, ये सभी की समग्रता में समेकित विश्लेषण, विश्लेषण संतुलित। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो उस समय समाजवादी थे, दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान के एक वर्ग के लोगों ने समाज, उनको समाजवाद शब्द से ही घृणा है, वो समाजवाद का मतलब समझते हैं कम्युनिज्म, लेकिन कम्युनिज्म और सोशलिज्म दोनों आकाश पाताल का अंतर है। और नहीं पढ़े हैं जो लोग तो पढ़े डॉक्टर लोहिया की मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म एंड इकोनॉमिक्स आफ्टर मार्क्स, पढ़ ले तो उनको पता लगेगा कि 49-50 के दशक में आज़ादी के आंदोलन के समय से ही जो ये दर्शन डॉक्टर लोहिया लिख रहे थे वो कितनी दूर तक की कल्पना किए थे। तो हमने उसको नहीं देखा उस पर। आप किसान की बात कहते हैं तो एक ही केवल वही नहीं है विषमता, गांव और शहर की विषमता है, उद्योग और कृषि की विषमता है, नौकरी, नौकरी, नौकरी करने वाले और खेती करने वाले की भी विषमता है, जाति के आधार पर भी विषमता है, जन्म के आधार पर विषमता है, लिंग के आधार पर विषमता है, रंग के आधार पर विषमता है, और तकनीकी विषमता भी है। तो ये जो तकनीकी विषमता के कारण जो शोषण होता है, जिसको डॉक्टर लोहिया उस समय उठाते थे और कहा था उन्होंने, अमेरिका एक मिनट में जितना सामान बनाता है उसी को रूस 6 मिनट में बनाता है, चीन 9 मिनट में बनाता है, भारत 13 मिनट में बनाता है,
और जब हम रुपए के आधार पर लेन देन पर समझौता व्यापार करते हैं तो अमेरिका का एक मिनट लेते हैं और अपना 13 मिनट देते हैं। यह एक्सप्लाइटेशन है, इसको बंद करो, इसको बदलो, बदलो टाइम के आधार पर, समय के आधार पर व्यापार, व्यापार का विनिमय समय के आधार पर हो। तो उस समय कहते तो अपनी तकनीक को बदलो। तकनीक माने कि तुम जो यूरोप के अंदर से जो तकनीक लेते हो, मशीन लेते हो, तो तुम उनके मशीन लेते हो लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं लेते हो। अगर हमको कोई अपने मशीन के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी दे तब तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तुम गुलाम के जैसे क्यों लेते हो? और जब हम उनकी उनको टेक्नोलॉजी लेंगे तो उस टेक्नोलॉजी का जो नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को इस बार लोक ये लाल किला से कहा, 1 घंटा 45 मिनट के भाषण में केवल 6 शब्द हैं महत्वपूर्ण, निचोड़, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। ये देश को करना है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और संतुष्टिकरण से लड़ना है। ये तीन बुराई को हटाओ और 3 अच्छाई को ग्रहण करो। तो जो रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, तो उसी समय समाजवादी होने के नाते डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में हम लोग चलते थे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सभी क्षेत्रों में, सभी समग्र क्षेत्रों में रूपांतरण, आज़ाद भारत का रूपांतरण होना चाहिए। लेकिन करता कौन? फिर आप कहेंगे कि कहने वाले तो कहे, गांधी ने कहा, लोहिया ने कहा, करता कौन? तो यहीं पर आता है जो राज चलाने वाले होते हैं उनका विल टू पावर। डॉक्टर लोहिया की किताब है उस समय जो, उसका नाम ही है विल टू पावर, इच्छा शक्ति, कि हमको ऐसा करना है, या तो हम करेंगे नहीं तो मरेंगे, या तो करके जाएंगे और नहीं तो करते करते मर के जाएंगे, लेकिन हम करके जाएंगे। ये जो डिटर्मिनेशन है विल टू पावर जो अभी नरेंद्र मोदी में है, अगर यही विल टू पावर और डिटर्मिनेशन वाला प्रारंभिक समय ही भारत का कोई नेतृत्व प्रदेशों में और केंद्र में आया होता तो आज भारत जहां खड़ा है, भारत विश्व के सबसे शीर्ष स्थान पर खड़ा होता, तो इन विसंगतियों को मिटाने का प्रयास करना चाहिए, जो विसंगति है समाज के अंदर, और जहाँ जहाँ विसंगति है उनको कैसे मिटे उसके लिए समय लगेगा। और हम समाजवादी थे, डॉक्टर लोहिया ने हम लोगों को कहा था, अरे 5000 साल के रोग को कोई 25-50 बरस में इलाज नहीं कर सकते हो, धीरज रखो, तुम अपनी दृष्टि सही रखो, दिशा सही रखो, संकल्प सही रखो, और तुम अपने इस परिवर्तन के काम में निरंतर लगे रहो। तुम अपना भी परिवर्तन करो, समाज का भी परिवर्तन करो, राष्ट्र का भी परिवर्तन करो, अपनी नीतियों को भी परिवर्तित करते रहो, तब कहीं जाके 200-400 साल में जाकर के इस परिवर्तन का पूरा रूप दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये 5000 बरस का कोर है। एक हालिया विसंगति है, मैं उस विसंगति की तरफ जाऊंगा। आपने ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी और हम जिसकी मैं जिस सवाल पूछ रहा हूँ, विसंगति आज़ादी के बाद बहुत तेज हुई है, 21वीं सदी में है, हम आधुनिक भारत की परिकल्पना कर रहे हैं और किसान अभी भी लाभकारी मूल्य मांग रहे हैं। आज़ादी के बाद देखा कि किसान को उनकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पाता है, तो ये समस्या जो आधुनिक भारत की समस्या है, एक समय तक जो सिस्टम था वो किसान मुख्य फसल बेचकर ही फसल के बेस पर ही सारा व्यापार कर लेते थे, लेकिन अब फसल गौण हो गई है, रुपया शीर्ष हो गया है और किसानों को भी उनकी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो आज़ाद भारत की जो सबसे बड़ी समस्या अगर मैं समझता हूँ तो यह है कि किसान अपनी ही फसल का वाजिब दाम मांग रहा है, तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, समस्या का समाधान कैसे है? देखिए, आप लोगों ने उस राज को नहीं देखा है जब किसानों को लेवी लगती थी, और हमको हम उस समय पीड़ित थे, हमारे पिताजी,